कल भगवान श्री कृष्ण का प्रातःकालोत्सव बहुत उत्साह के साथ यहां संपन्न किया और उसमें प्राय आप सभी लोग शामिल थे। कल आनंद आया कि नहीं आया? हाँ आया ना। कल यहां पर बच्चे बूढ़े सभी उत्साह में थे और मनोभाई को तो चिंता थी कि बालक बहुत रोता है, उसको कैसे बनाएंगे। कल उस बालक ने भी दिखा दिया कि भगवान के जन्मदिन पर कोई रोता नहीं, सभी हंसते। वो बालक भी कल हंस रहा था। तो ये भगवान के जन्मोत्सव का प्रभाव, भगवान का प्रकट हुआ, बड़ी धूमधाम से उनका उत्सव मनाया गया। लेकिन जो नंद बाबा हैं, वो भगवान के भक्त होने के साथ साथ अपने धर्म कर्म में बड़े निष्ठावान हैं और राजा कंस को प्रतिवर्ष टैक्स देते हैं और वो टैक्स देने के लिए मथुरा जाते हैं। टैक्स देने के बाद वसुदेव जी से मिलना होता है। बड़े प्रेम से कुशल मंगल का समाचार एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपका मथुरा का कार्य हो गया है और अब आपको ज्यादा समय तक मथुरा में नहीं रुकना है। क्यों? बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले, गोकुल में उपद्रव हो रहे, उपद्रव उत्पात हो रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, करो वही वार्षिको दत्तो राजे दृष्टा वयम च वसुदेव जी ने मथुरा में बैठे बैठे बता दिया, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं। उपद्रव जानते हैं आप लोग? उपद्रव का अर्थ समझते हैं कि नहीं? गुजरात में थोड़ा भाषा वैसे अब तो टीवी के माध्यम से सभी लोग समझने लग गए। एक जगह मैं गुजरात में बहुत पहले भागवत किया था, धौरा जी एक जगह, आप लोग शायद सुने होंगे धौरा जी, वो भी पटेल थे, हरिभाई पटेल। और जब कथा समाप्त हुई तो आभार ज्ञापन करते ना, कुछ बोलते, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा की जो 7 दिन तक हमारे यहाँ इतना बड़ा उपद्रव किया। तो बोलना चाहते थे उत्सव किया, तो वो हिंदी और उनको समझ नहीं आया कि तो क्या बोले, क्या बोले। अरे बहुत बड़ी कृपा की जो 7 दिन तक इतना बड़ा उपद्रव हमारे यहाँ किया। क्यों मनु भाई, उपद्रव किया ना? नहीं किया। और बोले आगे के लिए सूचना है कि स्वामी जी आगे 7 दिन बंबई में उपद्रव करने वाले। कभी कभी जब लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उपद्रव का अर्थ तो आप समझते हैं ना, उत्पात। तो यहाँ पर वसुदेव जी महाराज है मथुरा में और वहां बैठे बैठे नंद बाबा को बता दिया कि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, तो वहां से चल पड़ते। ऐसी परिस्थिति है तो हमको क्या करना? तो नंद बाबा तो है मथुरा में और उपद्रव हो रहा है गोकुल में जहां उनका लाला है, तो चिंता नहीं कर रहे नंद बाबा। नंद बाबा के हाथ में परिस्थिति नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान की शरण लेते। यही हमारे आपके लिए जीवन का सूत्र है। परिस्थिति हमारे हाथ में हो तो उसका सामना करो और परिस्थिति हमारे हाथ में न होए तो तनाव ना लेकर के भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। ये सब शिक्षाएं भागवत में हमको मिलती है। भगवान की शरण ग्रहण करते हुए नंद बाबा मथुरा से गोकुल के लिए चल पड़ते हैं। उधर गोकुल में सही में उपद्रव हो रहा था। लाला के 6ठी का दिन था, 6ठी, 6 दिन के हो गए थे लाला, उत्सव मनाया जा रहा था, बहुत लोग आ जा रहे थे यशोदा मैया के यहाँ। पूतना नाम की जो राक्षसी थी ना, वो भी आकाश मार्ग से जा रही थी, बच्चों को मारना उसका काम था। उसने देखा यहाँ कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लगता कोई विशेष बालक है।
और कहीं ये वही बालक तो नहीं है जो योग माया ने आकाशवाणी की है कि ब्रज में तेरे मारने वाले का जन्म हो गया है। पुतना ने सोचा चलो देखें चलते हैं। हाँ, पुतना ने बड़ा सुंदर वेश बनाया, बड़े सुंदर कपड़े पहने, बालों को फूलों से सजाया, हाथ में कमल का फूल ले लिया, कानों में कुंडल पहने और मंद मंद मुस्कुराती हुई नंद भवन में पहुंच जाती। यहाँ पर दिखाया गया है कि बाहर से कोई बहुत सुंदर कपड़े पहने हो, बहुत सुंदर आभूषण पहने हो, ज्वेलरी पहने हो, इस कारण से मत लगा लेना तो व्यक्ति अंदर से भी सुंदर है, उसका जीवन भी सुंदर है, हृदय भी सुंदर है, यह आवश्यक नहीं है। पुतना ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, बहुत सारी ज्वेलरी पहने, हाथ में कमल का फूल लिए है और नंद भवन में चली जाती है। रोके कौन? और यहाँ उत्सव हो रहा है, कथा हो रही है, कोई भी आ जाए तो आप कैसे उसको रोकेंगे? कथा कोई भी सुन सकता है, उत्सव में कोई भी आ सकता है, कोई रोका नहीं। पहुंच गए जहां लाला का पालना था, बालकृष्ण पालने में लेटे हुए, पूतना आई तो उसको देखा और देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, बालकृष्ण ने लिखा है लाला ने, लेकिन क्यों बंद कर ली ये भागवत में नहीं लिखा। संत लोग कहते हैं क्यों बंद कर ली, लाला ने देखा कि मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए और यहाँ छठी के दिन ही ये पूतना विष पिलाने आ गई, तो दुखी होकर के आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव कहते हैं कि पूतना आई तो है माँ बन करके दूध पिलाने के लिए, लेकिन ये जहर मिला हुआ दूध पिलाना चाहती है, ऐसे माँ का मुख देखना नहीं चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। अथवा मानव बालकृष्ण जब देखा कि पूतना जहर पिलाने आई है तो भोले बाबा का ध्यान करने लग गए आंख बंद करके। भोले बाबा को जानते हो ना आप लोग, शंकर जी का क्यों ध्यान कर रही है? भोले बाबा जब जब विष की समस्या आती है आप ही सहायता करते हो, समुद्र से विष निकला तो आपने पी लिया तो जगत बचा, आज भी ये पूतना मेरे को विष पिलाने आई, आप आ जाओ, पूतना का विष आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। हाँ, ये तो बचपन से ही बड़े चतुर है, हाँ, तो कन्हैया है ना, ये बचपन से बड़े चतुर, बड़े नटखट, आंख बंद किए हुए पूतना ने जबरदस्ती पालने से उठा करके हाँ महाराज उठा लिया गोद में, दूध पिलाने लग गई जबरदस्ती। अब महाराज कन्हैया ने देखा है तो मानेगी नहीं, ऐसा जोर से दूध पीना शुरू किया कि उसका प्राण छटपटाने लग गया। और पूतना बोलती है मुंच मुंच अलम अलम, छोड़ दे बहुत हो गया बहुत हो गया। कन्हैया ने कहा मौसी जी मेरे जीवन का एक नियम है, मौसी जानते हो किसको बोलते? माँ की बहन को मौसी बोलते। बोले मौसी जी मेरे जीवन का नियम है, पहली बात तो मैं किसी को जल्दी स्वीकार करता नहीं और एक बार स्वीकार करता हूं तो जीवन में कभी छोड़ता नहीं। हा? मैंने तो आपको नहीं पकड़ा, आपने जबरदस्ती मेरे को दूध पिलाया, अब मैं आपका दूध छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना जोर से दूध पीने लग गए कि उसका प्राण छटपटाने लग गया, वो आकाश में भागी बालकृष्ण को लेकर के। गोकुल से जब बाहर निकल गई, कंस के बगीचे के ऊपर से जा रही थी, बालकृष्ण ने इतना जोर से दूध पिया कि पूतना का गोविंदाय नमो नमा हो गया। दूध पी के ही उसका उद्धार कर दिया। पूतना गिरी कंस के बगीचे में, सारे पेड़ टूट गए, बड़ा विशाल शरीर था। अब महाराज गोकुल में हाहाकार मच गया, लाला कहां गया, लाला कहां गया, छठी का उत्सव सब लोग खोजने लग गए। गोपियों ने देखा लाला तो पूतना के ऊपर खेल रहा है, गोपियों ने यशोदा मैया को बताया, गोपियों ने लाला को उठा करके मैया को दिया, मैया ने देखा लाला को किसी गोपी की नजर लग गई, हाँ तभी तो ये उपद्रव हो गया, हाँ ये विघ्न हो गया, किसी काम में नजर लग जाए तो विघ्न पड़ जाता है। महाराज तो मैया ने क्या किया, नजर उतारने लग गई कन्हैया की। नजर उतारना जानते हो ना आप लोग, किसी को नजर लग जाए बच्चों को, लेकिन यशोदा मैया अलग ढंग से उतारती है, क्या करती है? बोले गैया की पूंछ घुमा रही है लाला के ऊपर, हाँ गैया की पूंछ, गाय का गोबर जगह जगह लगा रही है, गोमूत्र लगा रही है, जैसे लाला के ऊपर कोई महाराज हाँ नजर वजर लग गई हो, किसी की गलत दृष्टि लग गई हो तो चली जाए। तो मैया को तो पता ही नहीं कि इसके ऊपर किसी की नजर नहीं लगती, यही सबको लग जाता है। हाँ मैया को क्या पता, कन्हैया को किसी की नजर नहीं लग सकती। अब महाराज नंद बाबा वहां से आते, नंद बाबा ने पूछा ये क्या है?
ग्वाल वालों ने कहा, अरे बाबा बड़ी भारी राक्षसी है, लाला को ले गई थी, भगवान ने बचाया, लाला बच गया, ये मर गई। नंद बाबा ने कहा, ये मर गई क्या? बोले हाँ मर गई। बोले भरोसा मत करो, ये राक्षसी है, पता नहीं श्वास रोक के पड़ी हो, फिर खड़ी हो जाए, फिर जीवित हो जाए। बोले फिर क्या करें? बोले इसका अग्नि संस्कार कर दो, तब भरोसा होगा कि मर गई। हाँ गाड़ियों में ले गए, बड़ा विशाल शरीर, जानते हो कितना बड़ा शरीर था? भागवत में लिखा है, पूर्णनाथ बता दूं कितना बड़ा था भागवत में लिखा, आपको भरोसा नहीं होगा, 18 किलोमीटर का शरीर था, 3 किलोमीटर, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। और इसलिए ब्रज के लोग कहते हैं ना, पूतना का जहाँ हाथ गिरा वो ब्रज में हाथरस के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहाँ उसके बाल गिरे वो अलीगढ़ हो गया, और जहाँ उसका जहर गिरा वो आगरा हो गया। इतना विशाल शरीर था, जब गिरी हो अलग अलग जगह महाराज, अब उसको जलाया गया, पूतना का अग्नि संस्कार हुआ, माया से बड़ी बन गई थी। आप ऐसे मत सोचना कि स्वामी जी गप फाँक रहे, गुजराती में बोलते ना गप्पा मारो छो माया से कोई छोटा बड़ा बन सकता है। तब उसको महाराज जब जलाया गया तो एक आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ, मतलब उसके मुर्दे के शरीर से जब जलने लग गया शरीर, तो सुगंध निकल रही। नॉर्मली जब मुर्दा जलता है तो दुर्गंध निकलती है, बोले सुगंध कैसे निकल रही? राजा परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी ने कहा, राजन किसी भी भाव से सही भगवान का दर्शन इसको मिला है, भगवान का स्पर्श मिला है, और भगवान को इसने अपना दूध पिलाया, भले किसी भी भाव से पिलाया, ये भगवान की करुणा है। किसी भी भाव से भगवान से जुड़ जाओ, भगवान उसको पवित्र कर देते हैं। इसका शरीर भी इतना पवित्र हो गया कि मुर्दे से भी सुगंध निकल रही है, ये भगवान कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव, दर्शन का प्रभाव है। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न होता है, महाराज भगवान कृष्ण का इतना प्रेम, इतनी करुणा अभिप्राय, प्रेम से भगवान का भजन करो तब तो बहुत ही अच्छा है, और प्रेम से न होए तो दुश्मनी से भी भजन करोगे तो भी उद्धार हो जाएगा, ये पूतना की कथा बताती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बाल कृष्ण की लीलाएं तो बहुत अच्छी है, 6 दिन में इतनी अच्छी लीला कर दी, तो और भी बड़ी बड़ी लीलाएं की होंगी, और सुनाइए। सुखदेव जी महाराज और प्रसन्न हो गए, जब श्रोता प्रेम से पूछे ना कि और सुनाइए, तो वक्ता को सुनाने में आनंद आता है, और अगर आप लोग पूछो ही नहीं, वैसे आपको पूछने का मौका भी हम नहीं देते हैं क्योंकि फिर भागवत होगी कि महाभारत होगा, उसका निर्णय नहीं हो सकता अगर आप पूछने का मौका आपको दे दिया जाए यहाँ पर भागवत के बीच में, अलग से पूछो तो ठीक है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि और सुनाइए। बोले लाला हो गए 3 महीने के, 3 महीने के जब लाला हो गए, उनका जन्म का नक्षत्र आ गया रोहिणी नक्षत्र। महाराज एक दिन मैया ने देखा, क्या देखा? कदाचित प्रवेश जन्म क्षयोगे समवेतयोषिता वादित्र गीता द्विजमन्त्रवाचक चकार सोलोरभिषेचनम् सति। एक दिन की बात है, मैया ने देखा लाला पालने में पड़े हुए हैं, और पालने में पड़े पड़े करवट बदली, करवट, करवट बदलना जानते हो नहीं? करवट बदली। मैया ने देखा कि लाला ने करवट बदली, अरे लाला बड़ा हो रहा है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बाबा को बताया, बाबा आज लाला ने करवट बदली है। बाबा ने कहा तो क्या करना है? बोले उत्सव मनाना है। क्यों उत्सव मनाना? लाला ने करवट बदली। हाँ देखो बड़े लोगों के यहाँ बच्चे करवट बदले तो भी उत्सव मनाया जाता है, और छोटे घरों के बच्चे दौड़ने भी लग जाए तो कोई नहीं पूछता। ये तो राजाओं के घर में जन्म हुआ ना, ब्रज के राजा है नंद बाबा। बोले करवट बदली उत्सव मनाओ। बोले क्या उत्सव मनाए? देखो उत्सव मनाने का तरीका, उत्सव अगर मनाना बहुत अच्छा है, जन्मदिन मनाओ, शादी की वर्षगांठ मनाओ। आज हमारे वर्षगांठ है ना शादी की, किसकी मालूम है? हमारे जो कथा के यजमान है, कथा के यजमान कौन है मालूम है आपको? प्रेम से बोलिए कौन है? हाँ मनु भाई की आज शादी की वर्षगांठ है, जोर से ताली बजाओ आप लोग। हाँ
और आज कथा के समापन में पुनः माल्यार्पण किया जाएगा अगर कुछ आपस में बोलते ना ठीक ठाक कर दिया जाएगा। क्यों मनु भाई हा? तो आज आप लोग सब साक्षी रहेंगे इस बात के। तो अब कहते उत्सव मनाने का तरीका, जरूर जन्मदिन मनाओ, शादी की वर्षगांठ मनाओ, लेकिन उत्सव मनाने का तरीका होता है उसमें भगवान की आराधना करो, भगवान शंकर का अभिषेक करो, ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, इष्ट मित्रों का भोजन करवाओ और गरीबों को दान दो। इस प्रकार से अपने जीवन का कोई भी उत्सव मनाना चाहिए, जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो। कई लोग शादी के 25 साल पूरे होते तो उत्सव मनाते हैं, 50 साल पूरे होते तो उत्सव मनाते हैं। अभी महाराज अपने देश में ही आदरणीय बीके बिरला और सरला बिरला के 2 साल पहले जानते हो शादी के 70 साल पूरे हुए थे। आप कल्पना कर सकते हो शादी के 70 साल पूरे हुए थे, उसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, मैं गया था उसमें, और उसमें उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। आदिवासी 70 गरीब जोड़ों का उन्होंने विवाह करवाया, उसको जो आदिवासी गरीब लोग थे उनके जोड़ों को इकट्ठा किया, 70 कपल, हाँ 70 कपल को जो गरीब कपल थे उनका विवाह उनकी वर्षगांठ के दिन उन्होंने संपन्न कराया। सबका दोनों तरफ का खर्चा, लड़के की तरफ का, लड़की की तरफ का पूरा खर्चा उन लोगों ने दिया। इस तरह से उत्सव मनाया जाना चाहिए। हमारा अब आजकल तो लोग सोच के आश्चर्य करते हैं कि शादी के 70 साल, जीवन के 70 साल बीत जाए यही बड़ी बात, और शादी के 70 साल, क्योंकि बीके बिरला 93 के हो गए और सरला जी 89 की हो गई, और पहले के समय में शादी भी थोड़ा जल्दी हो जाती थी। तो अभिप्राय अब महाराज उत्सव मनाया जा रहा था, सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया गया, भगवान शंकर का अभिषेक होने लग गया, बहुत लोग आए हुए थे। लाला का पालना छकड़े के नीचे, ब्रज में बैलगाड़ी को बोलते हैं छकड़ा, छकड़े के नीचे लाला का पालना था, लाला उसमें लेटा हुआ था। एक शक्तासुर नाम का दैत्य आता है, उसने देखा सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं और इस समय लाला अकेला है, तो गाड़ी को गिरा दूंगा और लाला को गोविंदाय नमः नमः कर दूंगा। लाला ने देखा शक्तासुर को, अच्छा मामा तू भी आ गया। हाँ हमारे इतिहास में मामा लोगों की भी बड़ी पिटाई हुई, कंस मामा, मारीच मामा, शकुनी मामा, शक्तासुर ये भी मामा, यहाँ भी कोई ना कोई मामा होगा, है कि नहीं? मामा जानते हो नहीं? माँ का जो भाई होता है वो मामा, और मामा की सब जगह पिटाई होती है। महाराज बोले अच्छा मामा तू भी आ गया, बोले देख अब मैं तेरे को मारता हूँ कि तू मेरे को मारता है। सब लोग इधर उधर हो गए। बाल कृष्ण ने दाहिना पैर बढ़ाया और छकड़े में मारा, गाड़ी में जोर से मारा, छकड़ा उलट गया, हंडी फूट गई, दही फैल गया, बड़ा जोर का शब्द हुआ, सारे लोग उत्सव छोड़ के भागे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। शक्तासुर का तो गोविंदा नमो नमः हो गया। अब महाराज कन्हैया पालने में वैसे लेटे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैया ने आके बच्चों से पूछा छकड़ा कैसे टूट गया, गाड़ी कैसे टूट गई, कौन ने तोड़ दिया। बच्चों ने कहा मैया तेरे लाला ने पैर बढ़ाया और गाड़ी में मारी, गाड़ी को तोड़ दिया। मैया ने बच्चों को डांटा, बच्चों झूठ बोलते हो, 3 महीने का मेरा लाला और इसके पैर से गाड़ी टूट जाएगी, पहली बात तो गाड़ी टूटेगी नहीं, और टूटेगी भी तो इसका पैर बढ़ेगा कहाँ से, ये कोई छोटा बड़ा थोड़ा होता रहता है, जब चाहे बढ़ा दे जब चाहे छोटा कर दे। आज बच्चों को झूठा बना दिया कन्हैया ने। कन्हैया का स्वरूप बड़ा नटखट, स्वयं झूठ बोले और सच बोलने वालों को भी झूठा बना दे, ये महाराज इनका स्वरूप। अब मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, लाला तो बच गया ना, तो क्या करना है, बोले एक बार रुद्राभिषेक फिर कराओ, शंकर जी का पूजा कराओ क्योंकि लाला बच गया है। बोले और दक्षिणा दो ब्राह्मणों को। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न मन ही मन सोचने लग गए, इनका लाला तो रोज एक गाड़ी तोड़े तो हमारे लिए अच्छा ही है, रोज रुद्राभिषेक होगा और रोज दक्षिणा मिलेगी, रोज पूजा होगी, रोज भोजन होगा। इस प्रकार से भगवान लीला करते। भगवान और बड़े हो गए महाराज, 4 महीने के हो गए। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को निवेदन किया, अपने बच्चों के नामकरण के लिए, यहाँ लिखते हैं गर्ग पुरोहित राजन यदो नाम सुमहतपा
ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रजोदितः। यदवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य, महाराज वसुदेव जी ने निवेदन किया मेरे दोनों बालक एक रोहिणी के बालक के रूप में और एक जशोदा के बालक के रूप में, यद्यपि वो देवकी के बालक हैं और रहते हैं नंद बाबा के यहाँ, और उनका नामकरण का समय आ गया। नामकरण आप लोग जानते हैं, नाम रखना। अमेरिका में तो लोग बताते हैं कि जन्म के पहले नाम बताना पड़ता है, क्योंकि तभी महाराज उनका रजिस्ट्रेशन होता है। यह ऐसा कल्चर खराब किया है, जन्म लेने के बाद पंडित नक्षत्र देखेगा, राशि देखेगा, उसके बाद नाम बताएगा। अब जन्म के पहले नाम कैसे बता दे भाई। और एक कल्चर अब भारत में भी चल गया है, मैंने सुना बंबई में लोग पंडित से पहले मुहूर्त पूछ लेते हैं, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, किस समय नक्षत्र अच्छा है, किस समय राशि अच्छी है, और फिर डॉक्टर को बोल देते इसी समय ऑपरेशन करना। तुमने तो उसका भविष्य बिगाड़ दिया। नेचुरल समय में जो जन्म होगा वही एक्चुअल उसका नक्षत्र होगा। आप अपने ढंग से डॉक्टर को ऑपरेशन करके जब जन्म कराते हो, सर्जरी करा के पंडित से पूछ के हो, तो गलत हो गया। अब तो उसका कोई एक्चुअल राशि और नक्षत्र मिलेगा ही नहीं। तो आजकल व्यक्ति इतनी बुद्धि लगाता है कि अगर भगवान मिल जाए ना तो भगवान को भी फेल कर दे, अपने ढंग से सारा काम करता है। तो ये नहीं करना चाहिए। बंबई में कुछ लोग करते हैं, यहाँ आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग तो सीधे साधे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, क्यों कोकिला भाई तो यहाँ तो सब अच्छे भले लोग हैं, लेकिन इस शहरों में जो बहुत ज्यादा एडवांस लोग है ना, वो ये सब गड़बड़ करते हैं। तब उसके बाद जन्म के बाद नामकरण का समय आया और पहुंच जाते हैं गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ। गौशाला में जाते हैं, जशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और दोनों बच्चे। जशोदा जी ने महाराज ले रखा है रोहिणी के बालक को, रोहिणी जी ने ले रखा है जशोदा जी के बालक को। आपस में माताओं में बड़ा प्रेम था। और महाराज जशोदा जी ने पूछा गर्गाचार्य जी को, बताइए हमारे बालक का क्या नाम होगा। गर्गाचार्य जी पहचान गए, ये तो मैया तेरा बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बालक है। पंडित जी बड़े विद्वान थे, बालक को देख के बता दिया ये तेरा बालक नहीं है, रोहिणी का बालक है। बोले ठीक है, तो इसी का नाम बता दी। तो देख रहे थे पंडित जी कितना जानते। गर्गाचार्य जी बोलते, रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुण आख्याशते राम जिते बलाधिक्यत बलम विदुः। अरे मैया, ये तो रोहिणी का बेटा है, तेरा बेटा नहीं है। तो बोले इसी का नाम बता दीजिए। बोले इसका नाम होगा राम, क्योंकि सबको अपने कामों से आनंदित करेगा। राम माने जो सबको आनंद देवे, रमयति, जो सबको रमण करावे, आनंद देवे, उसका नाम राम। बोले बलराम जी कैसे आनंदित करते थे जानते हो, भगवान कृष्ण को भी चिढ़ा देते थे बलराम। भगवान कृष्ण सबको तंग करते थे और बलराम जी भगवान कृष्ण को कभी कभी तंग कर देते थे। और शोरदास जी का पद आपने पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण को एक दिन बलराम जी ने कह दिया, कन्हैया तू नंद जशोदा का बेटा नहीं है, तेरे को हम लोग खरीद के लाए हैं, तू नहीं विश्वास है तो मैया से पूछ ले जाके। आओ कन्हैया रोते रोते मैया के पास पहुंच गया। बोले क्या हुआ लाला। बोले दाऊ कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूं। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता, मैं कहती हूँ कि तू मेरा बेटा। बोले दाऊ के कहने से क्या होता। बोले नहीं दाऊ उसमें लॉजिक देते हैं, कारण देते हैं। बोले क्या कारण देते हैं। बोले दाऊ कहते हैं गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल गात। अरे नंद बाबा गोरे हैं और जशोदा मैया गोरी है, अगर तू उनका बेटा होता तो तू भी गोरा होता ना, तो सांवरा कैसे हो गया, तेरे को हम खरीद के लाए। बोले ऐसे चिढ़ाते तंग करते। देखो भगवान कृष्ण और बलराम जी एक दूसरे को कैसे आनंद देते। ऐसे मैया ने कहा नहीं नहीं दाऊ को मैं डांट लगाऊंगी, कहने दे उसको तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। बोले ऐसे मैं नहीं मानूंगा, गायों की सौगंध खा के कहो। तब महाराज जशोदा मैया को गायों की सौगंध खानी पड़ी। सूरदास मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत, मैं तेरी माँ हूं तू मेरा बेटा है, मैं गायों की सौगंध खा के कहती हूँ। ऐसे बलराम जी आनंदित करते थे, सबको चिढ़ा देते थे, परेशान करते थे, बहुत नटखट थे।
दूसरा नाम उनका हुआ बल, माने जिनमें बहुत ताकत है उसका नाम बल। तीसरा नाम हुआ संकर्षण, जो सबको प्रेम आपस में मिलाने का काम करे उसका नाम होता है संकर्षण। कितने अच्छे अच्छे नाम है। आपके किसी बच्चे का नाम संकर्षण है? नहीं होगा, जानते ही नहीं। इतना अच्छा नाम है, इतना अच्छा उसका मीनिंग है। हाँ, संकर्षण माने जो सबको मिलाने का हमेशा काम करे, प्रेम कराने का काम करे, उसका नाम होता है संकर्षण। अब किसी को अगर बच्चा हो नाम ना रखा हो तो रख लेना। हाँ, देखो कितने नाम मैंने तुम लोगों को बता दिए कथा, इंटरनेट से मत खोजना। हाँ, जरूरत पड़े तो विष्णु सहस्त्र नाम देख लेना, गोपाल सहस्त्र नाम देख लेना, बहुत सुंदर सुंदर नाम आपको मिलेंगे। यशोदा मैया ने कहा तो मेरे लाला का भी तो नाम बताइए, ये तो तीन नाम उनके हो गए। हाँ, जैसे कन्हैया का हाथ गर्गाचार्य के हाथ में आया, गर्गाचार्य आनंद में डूब जाते हैं, साक्षात भगवान उनको मालूम है, परमात्मा उनके सामने है, उनका हाथ उनके हाथ में है। गर्गाचार्य भूल गए कि मेरे को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। गर्गाचार्य कहते हैं, मैया ये जो तेरा लाला है ना, ये प्रत्येक युग में आता है, ये सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी आता है, द्वापर में भी आता है, कभी श्वेत वर्ण कभी रक्त वर्ण, इस समय महाराज कृष्ण वर्ण होकर के आया है, श्याम वर्ण होकर आया है, इसलिए इसका पहला नाम हो जाएगा कृष्ण। हाँ, कृष्ण माने श्याम सामरा। हाँ, नील मणि के जैसे जो सांवरे हैं, श्याम सुंदर, उनका नाम पहला है कृष्ण। और कृष्ण माने जो शव को आकर्षित कर ले। हाँ, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षति आकर्षति सर्वान जीवान एन केन प्रकारेण इति कृष्णः। अपने किसी भी उपाय से जो सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसका नाम होता है कृष्ण। हाँ, जैसे आप लोग सब प्राय कृष्ण भक्ति है ना, शिव भक्त होंगे थोड़े बहुत, बाकी सब कृष्ण भक्त है। हाँ, हमारी पार्टी वाले बहुत कम है, राम भक्त बहुत कम है, नहीं राम भक्त बहुत कम है, और कृष्ण भक्त का, कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, सबको आकर्षित कर लेते हैं अपनी लीलाओं से, अपने चातुर्य से, अपने माधुर्य से, बांसुरी बजा के, कभी नाच के, कभी गा के, कभी रासलीला करके, उनमें इतनी कलाएं हैं, सबको अपना बना लेते हैं। वृंदावन बहुत लोग आते हैं, कई बार कहते हैं महाराज हम तो पहले शंकर जी के भगत थे, कोई कहता पहले हम दुर्गा जी के भगत थे। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले अब बांके बिहारी की तरफ मन ज्यादा जा रहा है। मैंने कहा सावधान, हाँ उनका फोड़ने का काम, दूसरे के भक्तों को फोड़ लेते हैं वो। हाँ, तुम अपने इष्ट को संभाल के रखो, नहीं फोड़ लेंगे वो तुमको, अपना भगत बना लेंगे। इनका नाम है कृष्ण। हाँ, एक बार जो वृंदावन गया वो कृष्ण भक्त हो जाता है, ऐसा उनका आकर्षण है महाराज। और दूसरा नाम वसुदेव जी के बेटे, इसलिए दूसरा नाम हो गया वासुदेव। वसुदेवस्य तपत्यं पुमान वासुदेवः। गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये भगवान के जैसा है, भगवान है नहीं बताया, ये तो लीला का आनंद नहीं आता, ये भगवान के जैसा है, इसके सेवा करना, ध्यान रखना, आश्रय रखना, इसकी शरण में रहना, तुमको सारी आपत्ति विपत्ति से पार कर देगा। हाँ, ये हमारे आपके लिए भी सूत्र है, जो भगवान कृष्ण का आश्रय रखेगा। हाँ, एक ही मंत्र जपते रहो, श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ, जपते रहो, इसके लिए कोई ज्यादा विधान की भी जरूरत नहीं। जहां बैठे हो, गाड़ी में हो, कार में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, स्नान करके बिना स्नान किए कैसे भी उसको जपा जा सकता है। हाँ, अष्टाक्षर मंत्र भगवान कृष्ण के शरण में रहो, भगवान कृष्ण आपको सारी समस्याओं से पार लगा देंगे, भगवान का स्वरूप है। गर्गाचार्य जी वहां से चले जाते, कृष्ण बलराम और बड़े हो गए, चलने लग गए महाराज। हाँ, अब यशोदा मैया, रोहिणी मैया, उनको दूध पिला के बड़े सुंदर पीले पीले कपड़े पहना के और खेलने के लिए छोड़ देती। कृष्ण बलराम खेलने जाते हैं नंद भवन के बाहर, महल के बाहर, और धूल में खेलते, धूल में। हाँ, पहले बच्चे धूल में खूब खेलते थे, अब आजकल तो महाराज कहते हैं डस्ट की एलर्जी हो जाएगी, डस्ट की एलर्जी हो जाएगी। आजकल जो ये बहुत ज्यादा केयर करते हैं ना, ये भी एक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो महाराज तो धूल में खूब खेलते थे, गोबर लगाते थे, कीचड़ लगाते थे, मैया को बार बार कपड़े गंदे कर देते थे, मैया को कपड़े बदलने पड़ते थे।
एक दिन मैया बदलते बदलते परेशान हो गई, कई बार कपड़े गंदे किए, और फिर मैया बाहर आके देखती है तो गोबर लगा के बैठे हुए शरीर में, हाँ धूल में बैठे हैं, गोबर लगाए, कीचड़ लगाए और हंस रहे। मैया को थोड़ा गुस्सा आ गया, जैसे आपके छोटे बच्चे जब ज्यादा तंग करें तो कभी कभी आपको भी गुस्सा बच्चों पे आ ही जाता है। मैया ने देखा, हाँ पंका अभिषिक्त सकलावयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप वशात यशोदा तम सुकरोषि गत जन्मनि पूतनारे। सारा शरीर में कीचड़ लगा है, गोबर लगा है। मैया ने डांट के कहा, हे लाला, तो दिन भर कीचड़ में खेलता है, गोबर लगा के बैठा रहता है, क्या तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? सुअर जानते हो आप लोग, हाँ जो गंदगी में लेटा रहता है, हाँ कीचड़ में लेटा रहता है, हाँ तो पिछले जन्म में सुअर था क्या? लाला को लगा, मैया को कैसे पता लग गया मैं बराह भगवान बना था, हाँ सुअर तो बना था। मैया तो दूसरे भाव से गुस्से में कह रही है, लाला को लगा मैया को पता लग गया कि मैं भगवान हूं क्या, मैं बराह भगवान तो बना था एक जन्म में। लाला ने डर के धीरे से सिर हिला दिया, हाँ सुअर भी था एक जन्म में। मैया हंसने लग गई, कितना सीधा मेरा लाला, हाँ किसी बच्चे को सुअर कह दो तो नाराज हो जाएगा, इसको मैंने सुअर कहा तो सिर हिला रहा, हाँ सुअर भी था। मैया खुश हो गई, फिर कपड़ों को साफ किया, दूसरे कपड़े पहनाए, दूध पिलाया और फिर खेलने लग गए और बड़े हो गए। महाराज इतने उपद्रवी थे, इतने नटखट थे दोनों, कृष्ण और बलराम। हाँ एक दिन बाहर गए, नंद भवन के बाहर दो बछड़े बैठे हुए थे, बछड़े बछड़े जानते हो ना, गैया के बच्चे। वो दोनों नंद भवन के बाहर बैठे हुए थे, खूब दूध पिए हुए हृष्ट पुष्ट बछड़े थे। कृष्ण बलराम दोनों गए, दोनों बछड़ों के पूंछ पकड़ के उसमें गांठ लगा दी, पूंछ में, दोनों बछड़ों के पूंछ में गांठ लगा दी पकड़ के, क्यों जब उठ के भागेंगे तो पूंछ बंधी हुई है तो भाग नहीं पाएंगे, हाँ इतने नटखट थे। हमारा गांठ लगा के बाद बछड़ों को धक्का मारा, बछड़े खड़े हो गए, धक्का मारा तो भागे, और गांठ ठीक से लगी नहीं थी क्योंकि बच्चे थे, बाल लीला कर रहे थे। दोनों एक एक के पूंछ पकड़े हैं, गांठ तो खुल गई, बछड़े भागे बड़ी जोर से। अब महाराज बछड़े भागे तो दोनों पूंछ में लटक गए, क्योंकि अब महाराज भागा नहीं जा रहा इतना थे जितना बछड़े भागे। अब चिल्ला रहे पूंछ में लटके लटके, ओ झांकी देखो कन्हैया की, बछड़ा भाग रहा है, उसके पूंछ को दोनों हाथों से पकड़े हुए लटके हुए हैं और चिल्ला रहे, मैया मैया मैया। जशोदा मैया बाहर निकल के आई, क्या फता गई। मैया देखते, अरे तो बछड़े के पूंछ में लटका हुआ भागा जा रहा है, बछड़ा तो भागा ही जा रहा है। मैया ने कहा, छोड़ दे जल्दी छोड़ दे। मैया का मतलब था पूछ को छोड़ दे, नहीं बछड़ा कहाँ ले जाएगा। लाला को लगा आज ही मैया ने धोती पहनाई है, लगता धोती पहनने में कोई समस्या हो गई है, पूछ पकड़े रहे धोती छोड़ के फेंक दिया। महाराज मैया ने सोचा लाला कितना सीधा, दो ढाई साल का बालक, और धोती छोड़ के फेंक दिया। मैया ने ग्वाल बालों को दौड़ाया, जाओ बछड़ों को रोको, मेरे कन्हैया को कहाँ ले जाएंगे। महाराज बछड़ों को रोका गया, तब मैया कृष्ण बलराम को पकड़ के लाई किसी तरह। इतने शरारती थे, इसलिए आपका बच्चा कोई शरारती हो तो दुखी मत होना, सोच लेना कृष्ण भगवान का असर आ गया। तो बच्चे शरारती होते ही, नटखट होते ही है। अब उसके बाद बोले महाराज, एक दिन मैया ने और, हाँ कन्हैया बड़े हो गए, 3 वर्ष के हो गए, 3 साल के, कल जन्म हुआ था और आज 3 साल के हो गए, क्योंकि कथा तो 2-2.5 दिन में ही पूरी करनी है ना, पूरी कथा उनकी, हाँ 3 साल के हो गए। बोले मैया ने एक दिन खाने के लिए माखन दिया, माखन, हाँ कल बताते हैं लोग, कल का माखन बहुत अच्छा था, कल जो माखन आया था ना, कौन लाया था कल, कोई माखन लाया था ना मनु भाई, कौन लाया था, आपके घर से आया होगा ना, बहुत अच्छा माखन था। और जो राम जी बने थे ना हमारे, जो बामन भगवान बने थे, वो खूब खा रहे थे मौज। तो लगते भी है माखन खाए हुए था। अब महाराज बोले माखन खिलाया, हाँ मैया ने कन्हैया को माखन खिलाया। कन्हैया ने सोचा इतनी बढ़िया वस्तु माखन मैया ने अभी तक क्यों नहीं दिया, खाने की चीज तो यही है। आप लोग माखन खाते हो, खाते हो माखन की नहीं, घी माखन खाते हो, खाना चाहिए, हाँ डॉक्टर कितना भी बोले, बोलने दो उसको, डॉक्टर की बात इसमें मत मानना, जो घी माखन नहीं खाते ना उनको ज्वाइंट पेन हो जाता है 40 साल के बाद। घी माखन खाए रहोगे तो सब शरीर ठीक रहेगा, गाय का घी गाय का माखन कभी नुकसान नहीं करता, आजकल डॉक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया। गाय का हो, शुद्ध गाय का घी हो, दूध हो, मक्खन हो,
और किसी तरह कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भी नहीं बढ़ाता है, ये साइंस ने भी सिद्ध कर दिया, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है, खूब खाना चाहिए। अब महाराज कन्हैया को माखन खिलाया तो बड़े प्रसन्न। अगले दिन मैया ने कपड़े वपड़े पहना के छोड़ दिया, कन्हैया खेलने गए नहीं। कहाँ गए? बोले जहाँ माखन रखा था उसी कमरे में चले गए, खेलने नहीं गए। माखन निकाल के लगे खाने मटकी से, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, कहीं से कोई आवाज नहीं। शरारती बालक के यहाँ से कोई आवाज ना आवे तो समझ लेना या तो बीमार पड़ गया या तो सो गया, ऐसा हो नहीं सकता कि आवाज ना आवे। मैया ने बुलाया, ला कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा, कहीं से कोई आवाज नहीं। मैया ने बुलाया, कन्हैया। और महाराज कन्हैया तो मुख में माखन भरे बोला न जाए, इतना खा रहे, इतना आनंद से खा रहे। दोबारा बुलाया, कन्हैया। धीरे से बोले, अब जब ऐसे बोला समझ गया कुछ खा रहा है। मैया ने छड़ी उठाई, ये कहाँ है, क्या खा रहा है, देखा तो माखन के कमरे में मटके में हाथ रखे हुए बैठे। क्यों समझ गए मैया बुला रही तो मैया आएगी, खाना बंद कर दिया था। मैया ने कहा, कन्हैया तो खेलने नहीं गया, यहाँ क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं तेरा काम कर रहा था। मेरा काम? यहाँ मेरा काम क्या कर रहा था? बोले माखन की मटकी में चींटी घुस गई थी। चींटी जानते हो आप लोग? कीड़ी बोलते हैं ना, कीड़ी, क्या बोलते हैं गुजराती? कीड़ी ना, हाँ। बोले वो कीड़ी घुस गई थी माखन की मटकी में, उसको निकाल रहा था मैं। अच्छा, झूठ भी बोलता है, मैया ने देख लिया, हाँ इतना झूठ बोलता है। अच्छा, चींटी निकाल रहा था तो तेरे होठ में माखन कैसे लग गया? कन्हैया ने जल्दी जल्दी साफ किया होगा, रह गया होगा। कन्हैया ने तुरंत बात बनाई, अरे मैया मैंने चोरी नहीं की, चींटी निकाल रहा था ना तो मक्खी काट रही थी मुख में, उसी हाथ से भगाया था, वो हाथ लग गया था मुख में। मैया ने डांट लगाई, चोर चोरी नहीं करता है, झूठ भी बोलता है, अगर तू चोरी करेगा ना तो आगे तेरा कोई विवाह नहीं करेगा। माताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि बेटे का विवाह हो जाए, होती है ना, बाद में क्या होगा उसकी चिंता नहीं। एक बार विवाह हो जाए, महाराज कहते तेरा कोई विवाह नहीं करेगा अगर तो चोरी करेगा ना, लोगों को पता लग जाएगा ये लड़का चोर है, कोई तुम्हारा विवाह नहीं करेगा। महाराज बहुत डांटा भैया ने, कन्हैया ने देखा माखन है तो बहुत बढ़िया। और माखन ऐसा नहीं था कि उनके घर में नहीं था, बहुत माखन था। मैया कहती थी खाले जितना खाना, चोरी क्यों करता है? लेकिन ऐसे खाने में वो आनंद नहीं है जो चुरा के खाने में है, क्यों भाई? बात सच है ना, कल यहाँ सामान लुटाया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि वो सामान आपके घरों में नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा सामान आपके घरों में है, लेकिन लूटने में जो आनंद आता है वो घर के सामान में नहीं आता ना, बात सच है ना। तब कन्हैया कर रहे थे तो उसमें क्या समस्या, आप भी तो यही करते हो। कल महाराज एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे सब, मैंने देखा वो एक एक दो दो चॉकलेट और खिलौना और उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे थे, पता नहीं वो क्या करेंगे उसका। तो ऐसा नहीं, उसका एक आनंद है, उसका एक रस है। तो कन्हैया को महाराज ऐसा नहीं था कि माखन नहीं था, घर में माखन बहुत था, लेकिन चुरा के खाने में जो आनंद आता था वो आनंद घर के माखन में नहीं आता है। और सब लोगों ने चोरी की होगी बचपन में जितने यहाँ बैठे, सोच के बताओ ईमानदारी से, कुछ भी चुराया होगा, पैसा चुराया होगा, माखन चुराया होगा, मलाई चुराई होगी, राजभोग रसगुल्ला चुराया होगा, या यहाँ की भाषा में ढोकला है, बासुंदी है, खाखरा है, पातड़ा है, जो भी है आपका, तो आप कुछ तो चुराए होंगे ना। जो गुजराती है वो गुजराती सामान चुराएंगे, बासुंदी है, श्रीखंड है, जो भी है, तो ऐसा मत समझना कि हमको गुजराती नहीं आती, आधी आधी आती है। तो कुछ तो चुराया होगा, तो जब सभी चोर हैं तो ठाकुर को ही चोर क्यों कहा जाता है? देखो भगवान शंकर ने भी चोरी की, राम जी के जन्म में चोरी चोरी पहुंचे, किया कि नहीं किया? तो सब लोग चोरी करते हैं, भगवान भी चोरी करते हैं, मनुष्य भी करता, बचपन में सब करते हैं, और उसी का एक आनंद है। तो महाराज वो चोरी करने के लिए, माखन चोरी करने के लिए जानते हो क्या किया? कन्हैया ने सोचा बाहर चोरी करके खाएंगे, और बाहर चोरी करना है तो अकेले से काम नहीं चलेगा, एक मंडली चाहिए, दो चार दस लोग तो चाहिए। कन्हैया ने सभी घरों के बच्चों को बुलाया, और अपनी एज के जो बच्चे थे ग्वाल बाल उनको बुलाया, और सबको अपनी मंडली में शामिल कर लिया। क्यों? जिसके घर में चोरी करेंगे उसका बालक भी शामिल होगा तो उसका माता पिता कोई ज्यादा एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसका बच्चा भी रहेगा साथ में चोरों में,
और जानते हो उस मंडली का नाम क्या रखा, कमेटी का नाम जो चोरों की मंडली बनाई, क्या रखा मालूम? अखिल भारतीय चोर मंडली। अखिल भारतीय चोर मंडली। क्यों? सब जगह चोरी करते थे, प्लानिंग करके महाराज सब बच्चों से कह दिया, ध्यान रखना किसके घर में माखन अच्छा है वहीं चलेंगे। हाँ, और सबके घर से सूचना मिल जाए, क्योंकि हर घर का बच्चा शामिल था उसमें। रोज जावे, हाँ, कहीं महाराज मटकी से तोड़ के ले जाए, कहीं मटकी ही उठा के ले जाए, और किसी किसी घर में अगर माखन न मिले, इतने शरारती थे, अगर किसी घर में माखन नहीं मिलता था ना, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे गोपियों के सोए रहते थे, उन बच्चों को चिकोटी काट के रुला देते थे। वो गोपी कहते थे, छोटे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा, इनको क्यों रुलाते हो? बोले, माखन हमारे लिए निकाल के नहीं रखोगे तो तुम्हारे बच्चों को रुलाएंगे। हाँ, ब्लैकमेल। जो ब्लैकमेल करने का जो सिस्टम है ना, वो भी भगवान से ही प्रारंभ हुआ। हाँ, माखन नहीं रखोगे तो हम बच्चों को रुलाएंगे तुम्हारे। अब महाराज गोपियां बड़ी परेशान, जशोदा जी से शिकायत करती थी, तेरा लाला हमको बहुत तंग करता है, चोरी भी करता है, मटकी भी तोड़ देता है, हमारे बच्चों को रुला देता है। जशोदा जी बोली, मैं नहीं मानती। क्यों? मेरे घर में इतना माखन है, 900,000 गाय मेरे घर में है, इतना माखन निकलता है, फिर मेरा लाला चोरी क्यों करेगा तुम्हारे घर में? अब गोपियों को बड़ा, बात तो सही है, चोरी क्यों करेगा? गोपियों ने कहा, इनको रंगे हाथ पकड़ के दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो मानेंगे नहीं। गोपियों ने एक दिन प्लानिंग किया, क्या सबसे बढ़िया माखन निकाल के एक गोपी के घर में टांग दिया, और सारी गोपियां उसी घर में आके छिप गई, और मटकी में घंटी लगा दी, घंटी जो मंदिर में बजती है ना घंटी, वो घंटी बांध दी मटकी में। क्यों? जैसे मटकी को छेड़ेगा घंटी बजेगी, सारी गोपियां निकल आएंगी और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के जशोदा जी के पास ले चलेंगी। योजना बहुत अच्छी थी, कन्हैया को पता भी लग गया कि माखन इस घर में बहुत अच्छा निकला है। कन्हैया सारे ग्वाल बालों को लेके पहुंच भी गए, गोपियां सब अपने अपने अंदर कमरों में छिपी हैं कि घंटी बजेगी तब निकलेंगी। कन्हैया ने देखा, मटकी तो टंगी है, माखन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें घंटी क्यों बंधी? घंटी तो मंदिर में रहती है ठाकुर जी के, मटकी में आज क्यों बंधी हुई? घंटी से पूछा, यहाँ तो क्यों बंधी है? बोले, आपको पकड़ने के लिए मेरे को यहाँ बांधा गया, मेरी आवाज होगी, गोपियां निकल आएंगी, आप पकड़े जाओगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा ये योजना है, ये प्लानिंग है? बोले, हाँ। तो बोले, तू मेरे को वचन दे, जब तक हम माखन खा के चले ना जाए तब तक तू मत बजना। घंटी ने कहा, नहीं बजूंगी प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, नहीं बजूंगी। कन्हैया ने टेस्ट भी किया, हाँ, कन्हैया ने माखन निकाल के पहले बंदरों को खिलाया, मटकी तो हिली लेकिन घंटी नहीं बजी। बंदरों के बाद ग्वाल बालों को खिलाया, तब भी मटकी हिली, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने देखा, अब ये घंटी नहीं बजेगी, मेरी बात मानेगी। कन्हैया स्वयं माखन निकाल के जैसे खाना शुरू किए, घंटी ने बजना शुरू कर दिया, टन 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 टन, घंटी बज गई। अब सारी गोपियां निकल आई कमरों से, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। कन्हैया बड़े आश्चर्यचकित, गोपियों से तो कोई बात किया नहीं। कन्हैया ने घंटी से कहा, तूने कहा था नहीं बजूंगी और तू नहीं भी बजी, अगर बजना था तो बंदरों को खिला रहा था, तही बज जाती तो मैं भाग जाता, लेकिन मेरे खाते समय तू क्यों बजी? घंटी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले, प्रभु सारे संसार का भोजन हुए और मैं नहीं बजूंगी तो काम चल जाएगा, लेकिन जब ठाकुर का भोग लगे, भगवान का भोग लगे और मैं नहीं बजूंगी तो मेरे को कल से कोई नहीं बजाएगा, इसलिए मेरे को बजना पड़ा, मैं क्या करूं, ये तो मेरा जीवन है, ये तो मेरा लक्ष्य है, भगवान क्या करे अब। हाँ, ठाकुर जी अब कोई जवाब नहीं दिए। गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया को, चल तेरी मैया मानती नहीं, आज रंगे हाथ तेरे को पकड़ के ले चलेंगे, मैया को बताएंगी तू चोरी करता है। अब कन्हैया क्या करे? हाँ, अब कन्हैया महाराज बड़े मुश्किल में फंस गए, गोपी छोड़ने को तैयार नहीं, बहुत प्रार्थना की, ताई जी दादी जी अब कभी नहीं आऊंगा, छोड़ दो। बोले, आता तो रोज है, पकड़ में आज आया है, आता तो रोज है, आज नहीं छोड़ेंगे। अब महाराज ले चली गोपियां, ब्रज की जो महिलाएं हैं ना, ब्रज की माताएं घूंघट डालती, आज भी घूंघट डालती, तो महाराज वो घूंघट डाले हुई थी, कन्हैया ने देखा घूंघट डाले है, बुद्धि लगाई कन्हैया ने, बोले, अरे गोपी अब तो मैं चल ही रहा हूँ, तो मेरा दाहिना हाथ इतने जोर से पकड़े है कि मेरे को दर्द होने लग गया। बोले, अच्छा लाला। बोले, फिर? बोले, तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, बायां हाथ पकड़ ले। बोले, अच्छा ठीक है, दे दे। गोपी के मन में दया आ गई, लाला के हाथ में दर्द हो गया,
दूसरा हाथ दे दे। जैसे गोपी तैयार हुई, कन्हैया ने उसी के बेटे को बुलाया, जल जल्दी। अब वो तो घूंघट डाले दिखाई नहीं दे रहा था। उसी के बेटे का हाथ उसकी माँ को पकड़ा दिया और अपना भाग के दूसरे रास्ते से चले गए मैया के पास। अब वो गोपी बड़े स्वाभिमान में जा रही, आज कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा, आज यशोदा को दिखाऊंगी कि तुम्हारे लाला को अपने बेटे को ही पकड़ के जा रही। सारी गोपियां साथ में घूंघट डाले हुए जा रही। अब महाराज उधर कन्हैया पहुंच गए मैया के पास। मैया मैया भूख लगी है, बोले खा लाला, माखन खा, रोटी खा, दूध पी, जो भी करना है। कन्हैया पहले पहुंच गए। इधर से गोपियां पहुंची, अरे यशोदा देख तेरे लाला को पकड़ के लाई, आज चोरी कर रहा था। कन्हैया अंदर थे, कन्हैया ने मैया से कहा, मैया देख ले, ये रोज शिकायत करती है ना तेरे से, आज तू ही देख ले कौन झूठी कौन सच्ची। मैया को सही बात हो तो अंदर बैठे, बोले लाला तू सच्चा ये सब झूठी। बोले अभी सबकी खबर लेती हूँ मैं जाके। कन्हैया महाराज मस्त अंदर भोजन कर रहे। अब मैया बाहर आई, बोले क्या बात है गोपियों। बोले बात क्या है, तेरे लाला को पकड़ के लाई, चोरी कर रहा था, अपमानती तो हो नहीं। यशोदा जी ने डांटा, इतनी बड़ी धींगरी, तेरे को पता नहीं चल रहा कि तेरा लाला कि मेरा लाला। अब उसने घूंघट उठा के देखा, मेरा लाला, कन्हैया को पकड़ा था, ये कहां से आ गया, अपने बेटे का ही हाथ पकड़े हुए थे, दो थप्पड़ मारा, तू कहां से आ गया यहाँ, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, वो भागा महाराज रोता हुआ, वो क्या करे, वो तो कन्हैया की टीम में ही शामिल था, वो आ गया। अब महाराज गोपियां शर्मा के भाग गई वहां से। कन्हैया ने मैया से कहा मैं जाऊं, बोले हाँ जाओ खेलो, तुमको जो करना है करो, अब मैं गोपियों की बात मानने वाली नहीं, सब झूठ बोलती हैं, तो ही सच्चा है। महाराज ऐसा नाटक करते थे। रास्ते में फिर मिल गए गोपियों को, ताई जी दंडवत, इतना परेशान करते थे। गोपियां बोली तू आज भी हमसे धोखा कर गया। हाँ बोले सोच लो, अब मेरे को मत पकड़ना, आज तो मैंने तुम्हारे बेटे का हाथ ही पकड़ाया है, अगली बार पकड़ोगे ना तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे को मत पकड़ना, ऐसा परेशान करते थे, तंग करते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, माखन चोरी लीला की सच्चाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन सच्चाई ये नहीं थी जो दिख रही थी, वास्तव में माखन चोरी का बहाना था। गोपियों के हृदय में इतना प्रेम था भगवान कृष्ण, इसलिए उनका माखन चुराते थे। बोले पता कैसे लगा, बोले एक दिन कन्हैया किसी के घर नहीं गए, वास्तव में नहीं गए, सारी गोपियां एक दूसरे से पूछने लग गईं, आज कन्हैया कहाँ आए थे, क्या तेरे घर आए थे, क्या तेरे घर आए थे, अगर चोर ना आवे तो क्या पता लगाया जाता है कि क्यों नहीं आया। इससे पता लग गया कि वास्तव में गोपियां चाहती थी कन्हैया हमारे घर आवे, हमारा माखन चुरावे। अरे क्या कन्हैया माखन के भूखे थे, आप में से बहुत लोग यहाँ पुष्टि मार्ग के होंगे, लाला को माखन मिश्री का भोग लगाते होंगे, जरूर आपका भाव है, भगवान स्वीकार भी करते होंगे, लेकिन सच बात तो यह है माखन मिश्री उतना का ही उतना वापस मिल जाता है, कम तो नहीं होता है। हम लोग घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में माखन रखते हैं, फिर भी ठाकुर उतना के उतना वापस कर देते। और गोपियां डंडा लेके धमकाती थी, गाली देते थे, फिर भी कन्हैया चुरा के खा जाते थे, क्या वो माखन के भूखे थे, माखन के भूखे होते तो आज भी खाते, वो माखन के भूखे नहीं थे, गोपियों के हृदय के प्रेम के भूखे थे, इसलिए बार बार आते थे और गोपियों का माखन चोरी करते थे। माखन चोरी के बहाने गोपियों के चित्त की चोरी करते थे, मन की चोरी करते थे, ये भगवान की माखन चोरी का उद्देश्य था। तो भगवान की बाल लीलाएं बड़ी मधुर हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक बार की बात है, यशोदा मैया बहुत सारी सेविकाओं के होते हुए भी कन्हैया को माखन देने के लिए स्वयं दधिमंथन करती, और दधिमंथन करते समय वो करती क्या है, जैसे आप भी कोई काम करते हैं तो कैसे हम काम को करें और कैसे भगवान से जुड़े रहें। यशोदा मैया हाथों से दधिमंथन कर रही हैं, वाणी से भगवान कृष्ण का गुणानुवाद, भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं, और मन से भगवान कृष्ण की याद कर रही है। देखो तीनों भगवान कृष्ण के काम में लगे एक साथ, मन वाणी और कर्म। ये इतना सुंदर जीवन है और इस जीवन में एक आनंद है। हाँ काम भगवान के लिए हो
वाणी से भगवान का नाम कीर्तन निकल रहा हो और हृदय में भगवान की स्मृति चल रही हो, यशोदा मैया इसे दति मंथन कर रही। यान यानी हि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यशोदा मैया के बालों में श्रृंगार के रूप में पुष्प लगे हुए और वो पुष्प जब यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं, शरीर हिलता है, वो पुष्प बालों से गिर रहे, वो पुष्प बालों से गिर करके पैरों के पास आ रहे। जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो फूल यशोदा मैया के बालों से गिर करके पैरों पर क्यों आ रहे हैं? पुष्पों ने देखा यशोदा मैया का भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना भाव है, तो यशोदा मैया के सिर पर रहने का हमको अधिकार नहीं है, हमको तो यशोदा मैया के चरणों में ही रहना चाहिए, इसलिए पुष्प सिर से गिर करके चरणों में आते हैं। ऐसा यशोदा मैया का भाव, ऐसा प्रेम। बालकृष्ण 6 बजते हैं और प्रातः काल उठ जाते हैं। महाराज आज थोड़ा जल्दी उठ गए, पलंग पे बैठ गए। 3.5 साल की अवस्था है बालकृष्ण की, पलंग पर बैठ करके रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? बालकों का एक ही महाराज बल है, एक ही ताकत है, रोना। माताओं को जब छोटे बच्चे देखते हैं और माँ को बुलाना हो तो उनका काम क्या है? रोना। बालानाम रोदनम बलम, जहाँ वो रोएंगे तो मैया अपने आप आ जाएगी। बालकृष्ण रोने लग गए, लेकिन यशोदा जी ने देखा कि माखन निकलने में 5 मिनट बाकी है, थोड़ी देर रो लेगा, क्योंकि आदत ही है रोज रोने की, रोता ही रहता है। थोड़ी देर रो लेगा, माखन निकाल लूंगी फिर जाऊंगी। जब कन्हैया ने देखा कि रोने से मैया नहीं आ रही तो रोना बंद कर दिया। बड़े बुद्धिमान होते हैं बच्चे, देखा नहीं आ रही तो रोना बंद कर दिया। मैंने एक बार एक बच्चे को देखा, दौड़ता दौड़ता गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो टांग में उसको चोट लग गई। अगल बगल देखा कोई था ही नहीं, किसी तरह उठा, टांग वांग झाड़ी, चला वहाँ से। 10 मिनट बाद उसकी माँ मिली, माँ को देखते ही जो रोना शुरू किया उसने। मैंने सोचा ये कौन सा मैथमेटिक्स है भाई, अगर चोट लगी थी तो उसी समय रोना चाहिए, और अगर नहीं लगी थी तो 10 मिनट बाद रोने का कौन सा मैथ। वो जानते, बच्चे जानते हैं कि रोने को सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर रोने की कोई कीमत ही नहीं करने वाला तो रोने से फायदा क्या है? इसलिए आप लोगों को भी सीखना चाहिए, कभी रोना हो तो रोने की कीमत करने वाला हो तो ही रोना, नहीं तो रो रो करके अपना दिमाग खराब। क्यों माता हो, आप लोग नहीं रोती हो ना? हाँ ना तो बोलो। नहीं बोल रहे मतलब गड़बड़ नहीं बोलने का मतलब हाँ होता है। तो इसलिए कोई कीमत करे, कोई उसका हाँ रिजल्ट निकले तो ठीक है, नहीं तो अपना दिमाग खराब करने से फायदा क्या। महाराज बालकृष्ण ने देखा कि मैया नहीं आ रही तो महाराज रोना बंद कर दिए, पलंग से कूद पड़े और जाकर के मैया के चरण में अपना चरण रखे, कूद के गोदी में चढ़ गए। मैया मंथन बंद कर, मेरे को दूध पीना है। मैया क्या करे, बैठ गई, दूध पीने लग गए बालकृष्ण। 3.5 साल की अवस्था में भी माँ का दूध पीते बालकृष्ण, गैया का भी दूध पीते हैं, मैया का भी दूध पीते। माताओं का दूध बच्चों के लिए बहुत ही, आज तो डॉक्टर भी कहने लग गए ना, माता का दूध बच्चों के लिए जितना हितकारी है उतना दूसरा नहीं है। अब महाराज माताएं आजकल तो शायद फिर भी बच्चों को दूध पिलाती हैं, कुछ समय पहले माताएं दूध नहीं पिलाती थी, एक बोतल रखती थी, बोतल, और बोतल में दूध भर देते थे, बच्चा रोता था वो बोतल ही उसको पकड़ा देती थी, बस बच्चा का माई बाप तो बोतल ही हो जाता था। एक महात्मा कहते थे, देखो माँ का दूध पिएगा तो बड़ा होकर के माँ का भगत बनेगा, क्योंकि दूध के माध्यम से ही तो स्नेह जाता है, उसी से रक्त बनता है बच्चे के शरीर में। बोले माँ का दूध पिएगा तो बड़ा होकर के माँ का भक्त बनेगा, और बोतल का दूध पिएगा तो बड़ा होकर के किसका भक्त बनेगा? हाँ समझ जाओ फिर अगर बोतल का दूध पिलाओगे ना। एक जगह ऐसे कृष्ण जन्म का उत्सव हुआ, जैसे कल यहाँ हुआ ना, तो कृष्ण जन्म के सामान में खिलौनों में किसी ने वो बोतल भी रखी हुई थी। मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने कहा बोतल हटाओ यहाँ से, हमारे एक बाल कृष्ण बोतल का दूध नहीं पीते, तुम्हारा बच्चा पीता होगा बाल कृष्ण बोतल का दूध थोड़ा पीते, हाँ वो तो गैया का पीते हैं या मैया का पीते,
मैया का दूध पीने लग गए, मैया दूध पिला रही थी, उसी समय देखा आग में जो दूध रखा हुआ था गैया का, वो बाल कृष्ण के लिए गर्म हो रहा था, वो दूध उफनने लग गया। मैया ने बाल कृष्ण को नीचे बैठा ला, दूध को संभालने के लिए भागी। बाल कृष्ण ने देखा अरे ब्रज में ऐसा भी कोई आ गया जिसके लिए मैया मेरे को भी छोड़ के चली गई, कौन है ऐसा? देखा अरे गैया का दूध, अब मैं गैया का दूध दही सुरक्षित रहने नहीं दूंगा, मैया मेरे को छोड़ के चली गई। उठाया पत्थर का लोढ़ा और दही की मटकी पे दे पटका महाराज, मटकी तोड़ दी, दही फैल गया। अब भागे, 3.5 साल के तो हो ही गए थे, भागे, जानते थे मैया आएगी तो बहुत मारेगी, भागे। भाग करके गए कहाँ, जहाँ माखन रखा था उस कमरे में चले गए, छिप गए, माखन खाने लग गए, बंदरों को खिलाने लग गए। मैया आती है, देखा अरे मेरी इतनी पुरानी मटकी, हाँ बहुत पुरानी, हाँ ददिया सास के जमाने की मटकी, ददिया सास जानते हो, सास की भी सास, हाँ सास की भी सास को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाँ क्या बोलते हैं गुजरात में, अच्छा सास को क्या बोलते हैं यहाँ, हाँ चलो जो भी बोलते हो समझ गए ना, समझने से मतलब है, अब हमको सुनाई नहीं देगा बाद में बता देना। तो ददिया सास माने सास की भी सास, उसके समय की मटकी कन्हैया ने तोड़ दिया। बड़ा गुस्सा आया, यशोदा जी को उठाया छड़ी, और जैसे कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेके आ गई, भागे महाराज घर छोड़ के, घर छोड़ के गोकुल में दौड़ने लग गए, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। हाँ मैया इतनी बड़ी अवस्था के लेकर खूब भाग रही, शरीर में खूब ताकत है, आगे आगे कन्हैया भाग रहे। गोपियों ने कहा अरे कन्हैया तुम्हारी कोई सहायता करें, बोले हाँ जल्दी कोई अंधेरा कमरा बता दो मैं छिप जाऊं, नहीं मैया बहुत मारेगी आज, बहुत नाराज। एक गोपी ने कहा कन्हैया मेरे हृदय के अंदर बहुत अंधेरा है, तुम यहीं आके छिप जाओ। कन्हैया ने कहा तेरे को भक्ति सूझ रही, मेरी पिटाई होने वाली। कन्हैया फिर आगे भागे। अब मैया जब थकने लग गई तो मैया ने सौगंध रखना शुरू किया, हाँ कसम खिलाना शुरू किया, अरे कन्हैया तेरे को शतयुग के भक्तों की सौगंध, खड़ा हो जा। मैया पकड़ नहीं पा रही, कन्हैया खड़े हो गए, थोड़ी देर खड़े रहे फिर भाग गए। कन्हैया ने त्रेता के भक्तों की सौगंध रखी, त्रेता के भक्तों की सौगंध, खड़ा हो जा, लाला खड़े हो गए फिर भाग गए। मैया ने कहा अच्छा द्वापर के भक्तों के जिसमें तेरा अवतार हुआ है इसके भक्तों की सौगंध, खड़ा हो जा। कन्हैया खड़े हो गए, मैया आई फिर भाग गए। मैया ने सोचा अब कलयुग के भक्तों को थोड़ा ट्राई तो कर ले, आशा तो नहीं है जब इतने भक्तों के नाम से नहीं खड़े हुए। मैया ने कहा अच्छा कलयुग के भक्तों की सौगंध है बासद वालों की, हाँ खड़ा हो जा। तो कन्हैया खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया। मैया ने पहले पूछा कन्हैया क्या कलयुग के भक्त ही सबसे अच्छे भक्त हैं? बोले ना मैया कलयुग के भक्त सबसे कमजोर हैं, अगर इनकी सौगंध नहीं मानूंगा तो एक दो माला जो कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। त्रेता सतयुग के नहीं छोड़ेंगे, उनकी बात नहीं सुनूंगा तो वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कलयुग के भक्त बहुत कमजोर हैं, हाँ इनकी एक बात नहीं सुनो कल से माला बंद, कल से पूजा बंद। इसलिए कलयुग के भक्तों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कमजोर बच्चे का माता पिता ज्यादा ध्यान रखते हैं ना। मैया ने पकड़ लिया, बांधने लग गई कन्हैया को, तेरे को बांध के रखूंगी, बहुत तूने आज उत्पात किया, उपद्रव किया। बांधने लग गई कन्हैया, फिर लीला करने लग गए, बांधने लग गई तो रस्सी छोटी पड़ने लग गई, जितनी रस्सी लावे फिर छोटी पड़ जाए, सारे गोकुल की रस्सी लग गई और 2 अंगुल रस्सी छोटी बार बार। अब क्या करे मैया, रस्सी खत्म हो गई, अब किससे बांधे? एक गोपी से कहा जाओ बरसाना जाओ, राधा रानी की रस्सी मांग के लाओ, वो कभी छोटी पड़ने वाली नहीं है, राधा रानी के जो प्रेम की रस्सी है वो लाओ। अब महाराज राधा रानी की रस्सी लाई गई, उसमें जोड़ा गया और कन्हैया को बांध दिया गया, कन्हैया बंध गए। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया कन्हैया के कमर में, रस्सी बांध के उखल से बांध दिया, यहीं बैठ अब मैं घर का काम करूंगी, तूने बहुत उपद्रव किया आज। मैया चली गई तो कन्हैया ने सोचा ठीक है मैं भी अपना काम करूं, मैया अपना काम कर रही है तो मैं अपना काम करूं। मैया महल के बाहर निकले, बड़े बड़े 2 अर्जुन के वृक्ष थे, नारद जी के शाप से जो देवता थे, हाँ महाराज नलकूबर मणिग्रीव
वो महाराज वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए जाते, दोनों के बीच में उखल फंसा दिया, जोर से जैसे खींचा भयंकर आवाज होती है और दोनों दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। दोनों का उद्धार हो गया, वृक्षों के अंदर से दो पुरुष निकले, भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, बड़ा सुंदर भक्ति का वरदान मांगते हैं, बहुत सुंदर षडंगा भक्ति इसको बोलते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्मशु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वरदान मांगते हैं प्रभु, अब एक ही वरदान दे दीजिए क्या, हमारी वाणी, हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका गुणानुवाद, आपका कीर्तन, आपका नाम, यही निकले। कितना अच्छा वरदान मांगा। और कानों से अगर हम कुछ सुने तो आपकी कथा या आपका कीर्तन सुने, हाँ निंदा स्तुति की कथा हम लोग ना सुने, हाँ अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा ना सुने, कितना अच्छा जीवन हो जाए अगर ऐसा जीवन हो जाए। और हाथ से अगर कुछ करें तो भगवान की सेवा, संत की सेवा या अपने परिवार की सेवा, हाँ गृहस्थाश्रम में है तो परिवार की सेवा, भगवान की आज्ञा मान करके, और मन से आपके चरणों का स्मरण करें, सिर से सबको आपका रूप मान करके प्रणाम करें, और नजर से नेत्र से आपके स्वरूप जो चलते फिरते महात्मा लोग हैं उनके चरणों में प्रणाम करें, उनका दर्शन करें, ऐसा वरदान दे दो, यही जीवन सार्थक है। बाकी जीवन तो निरर्थक ही चला जाता है। भगवान ने उनको वरदान दिया और आगे चल पड़े महाराज, आगे चल पड़े उखल को खींचते हुए। नंद बाबा, यशोदा मैया सब लोग आते हैं, अरे बच्चों ये वृक्षों को किसने गिरा दिया? बच्चों ने कहा कन्हैया ने उखल को फंसा दिया और जोर से खींचा, वृक्ष गिर पड़े। नंद बाबा ने कहा बच्चों झूठ बोलते हो, मेरा छोटा सा कन्हैया 4 साल का इतने बड़े वृक्ष कहाँ से गिरा देगा? बच्चों ने कहा हमने देखा है। बोले हो ही नहीं सकता, हाँ यही ठाकुर की लीला, देखा है उसको भी झूठा बना दिया। हाँ नंद बाबा ने कहा अच्छा चलो जिसने भी गिराया हमारा लाला तो बच गया। कन्हैया की रस्सी खोली, हाँ कमर में नीला पड़ गया था, इतना जोर से बांध दिया था, 4 साल का कोमल शरीर। नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में उठा लिया, कन्हैया किसने तेरे को बांधा था रस्सी? बोले मैया ने। अरे मैया इतनी कठोर हो गई, इतने जोर से तेरे कमर में रस्सी बांध दी, अब तो मैया के पास मत जाना। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गोपियां खड़ी थी, गोपियां हंसने लग गई, मैया के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले दूध किसका पियोगे? बोले गैया का पी लूंगा। बोले अच्छा सोगे कहाँ? बोले बाबा के पास सो जाऊंगा। मैया तो दुखी हो गई, मैया ने इसलिए तो नहीं बांधा था, मैया ने बांधा था कि डांटा है कहीं भाग ना जाए, इसको बांध के रखो मन बदल जाएगा फिर खोल दूंगी, इसलिए बांधा था, मैया ने दंड देने के लिए नहीं बांधा था। मैया दुखी हो गई, बड़े नटखट थे, दिन भर मैया के पास गए ही नहीं, बाबा के साथ खेलते रहे, गैया का दूध पी लिया, रात में बाबा के साथ सो गए, लेट गए। बाबा ने कहा लाला सो जा, छोटी छोटी कथा सुना रहे, भजन सुना रहे, लाला को नींद ही नहीं आती। बाबा ने कहा तो कैसे नींद आएगी? बोले नींद तो मैया के पास ही आएगी। तो बोले तू जाता क्यों नहीं? मैं तो जानता था तू मैया के बिना रहने वाला नहीं है। बाबा की गोद से कूद करके मैया के पास पहुंच गए। यशोदा मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया, बड़े प्रेम से महाराज कन्हैया और मैया दोनों सो गए। इस प्रकार से बाल लीला, हाँ भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आनंदप्रद है, हाँ गोकुल की लीलाएं यहाँ तक पूर्ण होती। अब एक दिन गोकुल में बड़ी भारी मीटिंग बैठी, मीटिंग सभा बैठी, क्या यहाँ पर कोई ना कोई उपद्रव रोज होता है, अब यहाँ कन्हैया को लेकर के हमको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्यों, जहाँ रोज कोई ना कोई परेशानी हुए उस जगह में ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए भाई, शांति से अपना काम कर सको, भजन कर सको, ऐसी जगह में रहना चाहिए। बोले ठीक है यहाँ तो नहीं रहे, लेकिन रहे कहाँ, दूसरा पक्ष है, रहे कहाँ? उपनंद नाम के गोप ने कहा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन नाम का बड़ा सुंदर वन है महाराज, पास में ही है, आपकी अनुमति हो तो सब लोग चले। गाड़ियों में सामान रखा, देखो भगवान का प्रेम। एक बालक के लिए सारे लोगों ने गांव छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया, गाड़ियों में जितना सामान आया सामान रखा। और वृंदावन उस समय जंगल था, जमुना जी के किनारे वृंदावन में गाड़ियों में रहने लग गए महाराज, घर मकान छोड़ करके सारे ब्रजवासी। ये है कृष्ण प्रेम। हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण से हमारा बहुत प्रेम है। भगवान कृष्ण के लिए आप क्या कुछ छोड़ने को भी तैयार हैं, या कभी कुछ छूटता भी है क्या? अगर छूटता है तो आपका प्रेम है, नहीं तो कहने के लिए प्रेम है। हाँ, सब कुछ ठीक बना रहे और भगवान कृष्ण भी बना रहे, ऐसा प्रेम है? या भगवान रहे बाकी रहे तो रहे और जाए तो जाए, इसका नाम प्रेम है। हाँ महाराज, सारे लोग वृंदावन में रहने लग गए। भगवान कृष्ण अब हो गए 4.5 साल के। बाबा से बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए। बोले, फिर क्या करोगे? बोले, बछड़े चराएंगे। हाँ, ये नहीं कहा स्कूल जाएंगे। हाँ, भगवान कृष्ण स्कूल कब गए मालूम है? 11 साल के जब हो गए थे तब। आपके बच्चे भगवान कृष्ण से ज्यादा आगे आगे है नहीं, पहले चले जाते, 1.5-2 साल में ही पहुंचा देते। 11 साल के थे हम लोग स्वयं जब स्कूल गए। मैं स्वयं 6 साल का था जब पढ़ने गया। हाँ, पहले के बच्चे 5 साल के पहले जाते ही नहीं थे, और कोई कम योग्य नहीं होते थे। आजकल के बच्चों से कोई पीछे नहीं होते थे। हाँ, और बहुत ज्यादा एजुकेशन ही बुद्धिमानी की निशानी, ऐसा नहीं। देखो हमारा जीडी बिरला बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिरला ग्रुप जो बहुत आगे। आपके धीरू भाई अम्बानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। विदेश में बिल गेट्स जो बहुत बड़ी चैरिटी करता, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। बहुत ज्यादा पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, ये जो भ्रांति हो गई है। पेरेंट्स बच्चों के दिन भर पीछे लगे रहते हैं, 98% से नीचे आना नहीं चाहिए। कई बच्चे बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, इतना परेशान नहीं करना चाहिए। प्रयास करो, प्लानिंग अच्छी करो, बच्चे का जो भाग्य में होगा वो आएगा। एजुकेशन से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक पक्ष है, लेकिन बच्चे का भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे कुछ नहीं कर पाते हैं, बिना पढ़े लिखे बहुत आगे निकल जाते। तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण 4.5 में क्या काम शुरू किए? 4.5 साल में क्या काम शुरू किए बोलो तो सही? बछड़ा चराना। हाँ, बछड़ा, गैया तो और बड़े हो गए तब चराए। हाँ, बछड़ा चराए। बछड़े चराने गए थे महाराज। एक वत्सासुर नाम का दैत्य था, वो बड़ा सुंदर बछड़ा बन के आ गया, बड़ा सफेद, बड़ा हृष्ट पुष्ट। भगवान कृष्ण ने देखा है ज्यादा ही सफेद दिखाई दे रहा है, ज्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण ने ध्यान से देखा, रे तो असुर है, बनावटी बछड़ा है। जरूरत से ज्यादा जहां कुछ दिखाई दे समझ लेना कुछ गड़बड़ है। बता दूं एग्जांपल के लिए, जैसे जरूरत से ज्यादा जहां बाल काले दिखाई दे समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। वो तो इसलिए अभिप्राय क्या है? तो जो ज्यादा ही सफेद बछड़ा दिखाई दे रहा था, वो समझ लिया भगवान कृष्ण ने यहाँ गड़बड़। हाँ, एक्चुअल बछड़ा नहीं है। उसके बाद बलराम जी को दिखाया, अरे देखो तो सही है बछड़ा कितना सफेद है। बलराम जी ने कहा बहुत अच्छा है। बोले अच्छा तो है, लेकिन ध्यान से देखो। ध्यान से देखा, अरे कन्हैया है तो राक्षस है। बोले हाँ, इसीलिए दिखाया है, बछड़ा बन के राक्षस आ गया है। वत्सासुर उसका नाम था। भगवान कृष्ण ने उसके सींग पकड़े, उठाया, उठा करके जमीन पे दे पटका उसका, गोविंदा नमो नमा कर दिया, उद्धार कर दिया। और एक दिन गए थे बछड़े चराने, एक बकासुर, बकासुर माने बगुला। बगुला को क्या बोलते हैं? पानी में जो एक टांग पे खड़ा रहता है, मछली पकड़ता है एकाग्र होके, क्या बोलते? बगुला ही बोलते हैं ना। तो बगुला, बगुला माने बकासुर। वो बड़ा विशाल बगुला आकर के जमुना जी के किनारे खड़ा था, सारे ग्वाल बालों को खा गया। वो भी असुर था, बगुला के वेश में भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान कृष्ण उसके अंदर गए, अपने शरीर में इतनी गर्मी अग्नि तत्व प्रकट कर दिया, उसका मुख जलने लग गया, सबको बाहर फेंक दिया। भगवान कृष्ण ने उसके चोंच को दबाया, ऊपर के हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ा और बीच से चीर करके उसका गोविंदा नमो नमा कर दिया, बकासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन कन्हैया ने सब ग्वाल बालों से कहा, ग्वाल बालो
घर में तो बाल भोग रोज करते हैं, आज सब लोग बाल भोग अपने अपनी माताओं से ले लो और जब बछड़े चराने चलेंगे तो जंगल में ही बाल भोग करेंगे। बाल भोग जानते हो आप लोग? बाल भोग बहुत सुंदर शब्द है, साधुओं का शब्द है, हाँ, और पुष्टि मार्ग वाले लोग तो जानते होंगे बाल भोग। बाल भोग जानते हो? ब्रेकफास्ट जानते हो? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो जानते हो ना। ब्रेकफास्ट को ही महात्माओं की भाषा में बाल भोग बोलते हैं, हाँ, और लंच को राजभोग बोलते हैं, हाँ, डिनर को शयन भोग बोलते। कितने अच्छे शब्द हैं, हाँ, इतने अच्छे शब्द हैं। बोले बाल भोग जंगल में करेंगे, सब लोग अपने अपने घर से बना के ले लो। अब ग्वाल बालों ने ले लिया, जंगल में गए, बड़े प्रेम से एक दूसरे खेलने लग गए। कोई मोर के जैसे बोलता है, कोई कोयल के जैसे बोलता है, कोई हंस के जैसे चलता है, कोई बंदर के जैसे उछलता है, हाँ, बच्चे जैसे खेलते, बड़े प्रेम से खेल रहे भगवान कृष्ण के साथ। उसी समय एक अघासुर नाम का दैत्य आया। अघासुर, अघासुर इनकी लीला को देख के जलने लग गया। हाँ, अघ माने पाप, अघासुर माने पाप का स्वरूप, राक्षस। जो किसी के सुख को देख के जले, जो किसी के आनंद को देख के जले, उसका नाम है अघासुर। हाँ, जिसके हृदय में पाप होता है वही दूसरे की उन्नति को देख के जलता है, दूसरे के आनंद को देख के जलता है, दूसरे के सुख को देख के जलता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होए तो उससे मत कहना, लेकिन मन में समझ लेना यह अघासुर का रूप है। हाँ, उससे सावधान रहना। हाँ, जो चिढ़ता हो, जलता हो, बिना कारण परेशान करता हो लोगों को, उससे मत कह देना कि तू अघासुर है, स्वामी जी ने बताया। हाँ, नहीं तो तुमसे भी झगड़ेगा, मेरे से भी आके झगड़ेगा। प्राय अघासुर आया, देखने लग गया, बड़ा चिढ़ गया। ओ, आनंद की लीला, बिगाड़ दूंगा इनका आनंद, बस यही व्यक्ति प्रयास करता है। वो बड़ा भारी अजगर बन करके बैठ गया रास्ते में। ग्वाल बाल उसको गुफा मान करके उसके अंदर घुस गए। भगवान ने देखा है तो मौत के मुख में चले गए। भगवान स्वयं उसके अंदर जाते हैं, शरीर को बढ़ाया और उस अघासुर का महाराज श्वास रुक गया, प्राण छटपटाने लग गया, ब्रह्मांड फट गया और उसका जीवात्मा ब्रह्मांड से निकल करके बाहर खड़ा हो गया। अघासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण जब बाहर निकले, उसके मुख से अघासुर की जो दिव्य ज्योति थी, जीवात्मा था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आकाश में देवता थे, महाराज अघासुर का उद्धार हुआ, फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंधवी बजने लग गई। धुंधवी बजे तो आप लोग ताली बजाया करो। देवता लोग बड़े परेशान थे अघासुर से, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए उसका उद्धार होने से। अब महाराज जो ग्वाल बाल थे ना, उन्होंने कहा कन्हैया हमको भूख लगी, आज हम घर से बाल भूख करके आए नहीं और आपने इतनी देर लगा दी, अब जल्दी चलो हमको खाना है। हाँ, जमुना किनारे ले गए कन्हैया। ओ, मंडलाकार बैठ जाते, मंडलाकार जानते हो, बीच में कन्हैया बैठ गए और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए। अपना अपना बाल भोग निकाला। निकालने के बाद अभी बच्चे हैं, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 4 साल का, कोई 8 साल का, कोई 7 साल का। अपना अपना बाल भोग निकाला और जिसका जिसको अच्छा लगे उसका उठा के खा जाए। हाँ, आपस में महाराज हंसी विनोद होने लग गया। दोनों हाथों से खा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी। हाँ, अरे दोनों हाथों से खाना, एक दूसरे का जूठा खाना, ये मनुष्य का काम नहीं। हाँ, ये तो पशु का काम है। ये मैंने सुना है भगवान के अवतार हैं, ये ऐसा काम कैसे कर रहे हैं। हाँ, दोनों हाथों से नहीं खाना चाहिए, एक हाथ से खाना चाहिए। आप लोग तो एक ही हाथ से खाते हो ना। और महाराज एक दूसरे का जूठा उठा के नहीं खाना चाहिए। हाँ, जूठा नहीं खाना चाहिए, ये सब तामसी भोजन होता है, अपवित्र भोजन होता है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, ये भगवान है कि नहीं, ये ऐसा कैसे खा रहे, एक दूसरे का जूठा खा रहे, दोनों हाथों से खा रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के क्या किया, बछड़ों को उठाया, बेहोश कर दिया, गुफा में डाल दिया। भगवान कृष्ण बछड़े खोजने गए तो ग्वाल बालों को उठा लिया, ग्वाल बालों को उठा के गुफा में डाल दिया बेहोश करके। भगवान कृष्ण ने देखा दोनों गायब हो गए, कौन कर सकता है ऐसा। ध्यान लगा के देखा, अच्छा ब्रह्मा ये तेरी करामात, तू मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं भगवान हूँ कि नहीं हूँ। तू तो ब्रह्मा आया था, स्तुति करके गया था कि जब मैं जेल में था, देवकी मैया के यहाँ प्रकट हुआ था, तब तू आया था, तो भूल गया 5 साल में ही। अच्छा मैं तेरे के दिखाता हूँ।
भगवान कृष्ण ने संकल्प कर दिया और जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, अपने संकल्प से दूसरे प्रकट कर लिए। वो तो वहां बेहोश पड़े थे, दूसरे ग्वाल बाल बछड़े बना लिए, उनके साथ खेलने लग गए और एक काम और किया। जानते हो ब्रह्मा जी जा रहे थे ब्रह्मलोक, उनसे पहले ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए श्री कृष्ण कन्हैया। ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से कहा, आजकल दुनिया में कुछ नकली ब्रह्मा घूम रहे, मैं अंदर जा रहा हूँ, आराम करूंगा, कोई नकली ब्रह्मा आवे तो अंदर मत आने देना, भगा देना यहाँ से। अंदर जाके महाराज श्री कृष्ण तो अंदर चले गए ब्रह्मा बन के। अब जो एक्चुअल ब्रह्मा थे वो पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जाते हो? अरे हमारा ये लोक है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम मेरे सेवक हो, मेरे को ही मना करते हो? द्वारपालों ने कहा, हमारे मालिक अंदर आराम कर रहे हैं, चुपचाप बाहर चले जाओ नहीं दो दो डंडे मारेंगे। अब ब्रह्मा जी सोचे, ये क्या फत आ गई, यहाँ दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया? समझ गए, लगता है मैं जिनकी परीक्षा कर रहा था वो भगवान है, और उन्होंने ही लीला की होगी। ब्रह्मा जी लौट के वृंदावन आ गए, क्योंकि अंदर जाने को तो मिल नहीं रहा। वृंदावन में देखा भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे, बछड़ों के साथ खेल रहे। ब्रह्मा जी ने देखा, मैं तो इनको छिपा दिया था वहां गुफा में, कहां से ले आए? गुफा में गए तो वहां बेहोश पड़े बछड़े और ग्वाल बाल, यहां देखा तो कन्हैया के साथ खेल रहे हैं, दोनों जगह वही बछड़े और वही ग्वाल बाल दिखाई दे रहे। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, चक्कर आने लग गया। ध्यान से देखा कन्हैया के साथ जितने बछड़े ग्वाल बाल थे सब भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी समझ गए, जिनको मैंने कन्हैया समझा था वो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है, यही नारायण है, यही भगवान है। अब महाराज ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की। नौमी दते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुञ्जावतंस परिपीच्छदसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नंद बाबा के लाला, वास्तव में मैं ही भ्रम में था, आप ही वास्तव में स्तुत्य हैं, आप श्याम सुंदर हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, गुंजा की माला धारण करते हैं, एक हाथ में दही भात का कवल और एक हाथ में टेटी का अचार, दोनों हाथ से खा रहे थे ना, यही देख के तो भ्रम हो गया था। लेकिन बच्चों को ये नियम लागू नहीं होता, ध्यान रखना, 10 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, बड़ों पे लागू होता है। ब्रह्मा जी इस बात को समझ नहीं सके। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की और बड़ी सुंदर बात कही, प्रभो जैसे माँ के गर्भ में जब बालक होता है और बालक गर्भ में उछल कूद करता है तो माँ उसको थप्पड़ नहीं मारती, माँ प्रसन्न होती है, बालक चैतन्य है, बालक सचेत है, बालक सुंदर है, ऐसे माँ प्रसन्न होती है। ऐसे प्रभु जैसे वो बालक हाथ पैर चलाता है, लात मारता है, फिर भी माँ उसको माफ करती है, ऐसे प्रभु दुनिया के जितने लोग हैं आपके गर्भ के अंदर हैं, आप माँ की तरह हैं, ये सारे जीव उस गर्भ के बच्चे की तरह है, जैसे गर्भ के बच्चे के अपराध को माँ क्षमा करती है, ऐसे मेरे अपराध को माँ के जैसे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपके गर्भ का एक बालक हूँ। बात सच है, भगवान इस स्तुति से प्रसन्न तो होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु एक बात और निवेदन करूं, अगर मेरे को अगला जन्म मिले, एक जन्म और मिले, तो अब मेरे को ब्रह्मा नहीं बनाना, ब्रह्मा बनने में वो आनंद ही नहीं है। बोले फिर क्या बनना है? बोले ब्रज में जन्म दे देना, ब्रज में। और क्या बनाना? बोले ग्वाल बाल बछड़ा बनना चाहते हो? बोले उतना अभी मेरा भाग्य नहीं। बोले फिर? बोले ब्रज का कोई वृक्ष बना देना, ब्रज की कोई लता बना देना, जिससे ग्वाल बाल बछड़ों की चरणों की धूल उड़ करके मेरे शरीर में पड़ जाए तो मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, ऐसी कृपा करना। ये ब्रह्मा जी कहते,
ये भगवान के भक्तों का प्रभाव। ब्रह्मा जी भगवान से बहुत प्रार्थना किए और उनके ग्वाल बाल बछड़े उनको वापस दे दिए और अपने धाम को चले जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद भगवान 6 साल के हो गए, 6 साल के नंद बाबा के पास फिर पहुंचे। बाबा अब हम और बड़े हो गए। बोले तो अब क्या करोगे? बाबा सोचे शायद अब पढ़ने जाएंगे, 6 साल के हो गए। बोले बाबा अब हम बड़े हो गए, अब हम गैया चराएंगे, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, बछड़े तो छोटे होते, गैया चराएंगे। बाबा ने कहा लाला और थोड़ा बड़े हो जाओ। बोले नहीं अब हम बड़े हो गए। महाराज कार्तिक महीना आता ना, कार्तिक महीना, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं, उसी दिन से भगवान कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया। गायों की पूजा हुई, हाँ ग्वाल बालों की पूजा हुई, भगवान कृष्ण का पूजन हुआ और महाराज गोचारण प्रारंभ हुआ। एक दिन गोचारण करते हुए भगवान कृष्ण ने देखा गायों ने यमुना जी के किनारे एक सरोवर था, उसका जल पी लिया और बेहोश हो गई। वहां पर काली नाग रहता था। भगवान कृष्ण ने निर्णय किया यहाँ मेरे को रोज लीला करनी है, हे काली नाग यहाँ पर रहेगा तो मेरी लीला में रोज बाधा पड़ेगी। भगवान कृष्ण अगले दिन तैयार होके जाते हैं। देखना 6 साल की अवस्था है, 6 साल की अवस्था में काली नाग का दमन किया है, 7 साल की अवस्था में गोवर्धन को उंगली पे उठाया है। ये कोई बालक कर सकता है क्या? बालक क्या बड़ा भी नहीं कर सकता है। हाँ आप लोगों को कह दिया जाए कि 1 क्विंटल का पत्थर सिर पे लेके चलो तो चल पाएंगे? क्यों भाई? हाँ ना तो बोलो। और कह दिया जाए कि सर्प के सिर पे नृत्य करो, गरबा करो, डांडिया करो तो वो सर्प दिख जाए तो अपने आप डांडिया होने लग जाएगा, एक अलग बात। सर्प के सिर पे कौन करेगा? तो ये भगवान है, भगवान, हाँ भगवान 6 साल के हैं। महाराज जाते हैं तैयार होके, कमर में महाराज फेंटा बांधा, हाथों में थाप दिया, तमाल के वृक्ष के ऊपर, कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और यमुना जी को सरोवर में कूद जाते हैं जहाँ काली नाग रहता है। भयंकर सर्प, हाँ 100 फण जिसके मुख में है, भयंकर विष जिसके अंदर है, वहां कूद गए। उस नाग की पत्नियां हैं, नाग पत्नियां माताएं, उन्होंने श्याम सुंदर को देखा, इतना सुंदर बालक, उनको लगा कि हमारा ही बालक है। बड़े प्रेम से कहा बेटा तू यहाँ से भाग जा जल्दी, हाँ हमारा पति जाग जाएगा, अभी वो सो रहा, जाग जाएगा तो तेरे को छोड़ेगा नहीं, तू इतना प्यारा सा बालक है, तू भाग जा यहाँ से। कन्हैया मुस्कराए, बोले माताओं तुम्हारे प्रेम के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे पति को जगाने के लिए आया। वो क्या करे नाग पत्नियां परेशान, ए जोर जोर से पानी पीटने लग गए, जैसे पानी में आवाज हुई वो काली नाग जग गया, जैसे जग गया भयंकर फुफकार मारा मेरे घर में। अभिमानी व्यक्ति को अभिमान पे चोट लगे तो बहुत क्रोध आता है, मेरे घर में ये उपद्रव करने वाला कौन आ गया? ओ फुफकार करके देखा छोटा सा बालक ये मेरे घर में आ गया, जोर से डस लिया जा करके और पूरे शरीर में लिपट जाता है। श्याम सुंदर थोड़ा बेहोशी का नाटक करते, अभिनय करते, श्याम सुंदर लिपटे हुए उनके शरीर में काली नाग और ऊपर ले आता है जल के, कभी नीचे ले जाता है। ग्वाल बालों ने देखा, गायों ने देखा, बछड़ों ने देखा और श्याम सुंदर के वियोग में बेहोश हो जाते। यशोदा मैया नंद बाबा काली नाग में घुसने लग जाते, हमारा कन्हैया नहीं रहेगा तो हम भी संसार में नहीं रहेंगे, कन्हैया काली नाग के सरोवर में गया तो हम भी वहीं जाएंगे। ये प्रेम था। कन्हैया ने देखा ब्रजवासी अत्यंत दुखी हो रहे, कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जब शरीर का महाराज बढ़ा, कन्हैया का शरीर, काली नाग का शरीर टूटने लग गया, क्योंकि वो तो बढ़ नहीं सकता था, टूटने लग गया तो कन्हैया को छोड़ दिया, सामने खड़ा हो गया। हाँ 100 फण है, 101 फण यहाँ पर लिखा है भागवत में, कहीं कहीं वर्णन मिलता है 1000 फण है। 100 फणों से पैंतरेबाजी करने लग गया कन्हैया के सामने, कन्हैया भी खेलने लग गए उसके साथ और मौका पाते ही महाराज उछल करके काली नाग के मस्तक पर सवार हो जाते और नाचने लग जाते हैं। बोलिए काली मर्दन भगवान की, काली मर्दन भगवान की, ताता थे ताता थे, महाराज ताल बजने लग गई, हाँ ताल के साथ नाचने लग गए, काली नाग के सिर पर नाच रहे। और नाचते नाचते जब एक सिर घायल हो गया, उसने दूसरा उठाया काटने के लिए तो कूद के उस पे चढ़ गए,
तीसरा उठाया उस पे चढ़ गए, 100 सिरों को घायल कर दिया, नाच नाच के घायल कर दिया, और कुछ काम किया ही, नाचते रहे और इतने जोर से मारा, चरण प्रहार करते रहे कि वो घायल हो जाता था। अब 100 फण पर भी अगर नाचे और अगर कैलकुलेशन किया जाए कि 3 मिनट भी एक फण पे नाचे हो तो कितने मिनट नाचे, 300 मिनट, और 300 मिनट में कितने घंटे हुए, कितने घंटे हुए, आता मैथमेटिक्स तो आता ही होगा ना, 1 मिनट, हाँ, 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60, और 300 मिनट में कितने घंटे हुए, 5, हाँ 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे, वो भी नाग के सिर पे नाचे। कोई मनुष्य बालक नाच सकता है, कोई मनुष्य नाच सकता है, अरे 5 घंटा तो वैसे भी जमीन पे नाचना पड़े तो मुश्किल हो जाता है। कल तो आधा ही घंटा यहाँ हुआ था आनंदोत्सव में, सब पसीने पसीने हो रहे थे, हाँ अगर कह दिया जाता कि अभी 1 घंटा और चलेगा तब, हाँ मुश्किल हो जाता महाराज, कठिन काम है। हो सकता है आप लोगों का अभ्यास है, मैंने सुना यहाँ तो रात रात नवरात्रों में गरबा डांडिया होता है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं कर सकते। सारे फण महाराज घायल हो गए। अंत में नाग पत्नी स्तुति करती है, प्रभु हमारा पति है, यद्यपि अपराधी है, हम इसके तरफ से माफी मांगते, आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। भगवान ने उसको छोड़ दिया। काली नाग ने भगवान का पूजन किया और माफी मांग करके वहां से रमणक द्वीप को चला जाता है। वहां का वातावरण भगवान ने विष विहीन बना दिया, विष से रहित कर दिया, और ग्वाल बालों के साथ गायों के साथ रोज लीला करते थे। इस प्रकार भगवान के वृंदावन की लीलाएं, बड़ी सुंदर लीलाएं। यहाँ पर अभी थोड़ा आप लोग विश्राम लेंगे, थोड़ा भजन करें, और उसके बाद बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, हाँ कात्यायनी उपासना की लीला है, हाँ वेणु गीत की लीला है, चीरहरण की लीला है, और गोवर्धन पूजन, हाँ 56 भोग जो आपके सामने है ना इधर, सबको दर्शन होगा, और दर्शन के बाद शाम को सबको प्रसाद मिलेगा 56 भोग का। आज गिरिराज पूजा होगी और ग्वाल बालों का दर्शन होगा, राधा कृष्ण का दर्शन होगा, सब ग्वाल बाल लठिया लेके आएंगे। थोड़ी देर आप लोग कीर्तन करें और उसके बाद आगे की कथा होगी। आप लोग जयकारा बोलते नहीं है, हाँ प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। डाकोर जी आप आज तो अच्छा कर दिया है, अब तो लगता ठीक ही रहेगा। बाकी बहुत जगह बारिश हो रही है, हाँ ये मौसम पता नहीं अचानक कैसे आ गया। भगवान श्याम सुंदर गोचारण करते करते ग्रीष्म ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का प्रवेश होता है। शरद ऋतु में स्वाभाविक सरोवरों का जल, नदियों का जल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान कृष्ण गायों को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के यमुना जी के किनारे जाते हैं, और गोपियों के मन को एक बार और पकड़ने के लिए, आकर्षित करने के लिए वेणु वादन करते हैं। वेणु माने जानते हैं ना, वेणु बांसुरी, और वेणु का भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत महत्व है। भगवान सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन वेणु को कभी नहीं छोड़ते, बांसुरी को कभी नहीं छोड़ते। जैसे आप लोग सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन अपने मोबाइल को कभी नहीं छोड़ते ना, हाँ वही प्रभाव तो आ गया। हाँ सब कुछ छूट जाएगा, हाँ परिवार छूट जाए, ऑफिस छूट जाए, फैक्ट्री छूट जाए, कथा में भी तो लेके बैठे ही होंगे, भले साइलेंट हो या स्विच ऑफ हो या नहीं भी साइलेंट हो, कई लोगों का बज भी जाता होगा बीच में, तो आप लोग साइलेंट मोड में उसको जरूर रखें, लिए तो बैठे होंगे क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते, बाकी कुछ भी छूट जाए। हमारे एक संचालक थे, मंच संचालक, तो हमेशा बोलते थे आप अपने अंतरंग साधन को, अंतरंग साधन समझ गया, जो सबसे क्लोज हो, तो अंतरंग साधन माने मोबाइल, हाँ बोले आप अपने अंतरंग साधन को शांत मुद्रा में रख लीजिए, शांत मुद्रा माने साइलेंट, हाँ अंतरंग साधन को शांत मुद्रा में रखिए जिससे वो किसी को डिस्टर्ब ना करे।
तो अभिप्राय भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। प्रसंग पे आ जाए क्यों बांसुरी में ऐसी क्या विशेषता है जो भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो उसके अंदर अपनी कोई विशेषता उसने छोड़ी ही नहीं, सब कुछ खाली कर दिया है। बांस की बांसुरी बनती है और देखो हमारे साथ में भी बांसुरी बजाने वाले हैं, म्यूजिशियन है। इसके अंदर अगर खाली ना हुए बांस के अंदर तो बांसुरी बजेगी नहीं। पूरा का पूरा खाली हो जाता है बांस अंदर से और उसके बाद उसमें छेद किए जाते हैं तपाने के बाद, गर्म करने के बाद तब उसमें से स्वर निकलता है। अभिप्राय संकेत क्या है? जिसका हृदय पूर्ण रूप से खाली हो जाए भगवान के लिए। अंदर से जैसे बांस पूरा खाली हो जाता है तब बांसुरी बनती है, ऐसे ही जिसका हृदय भगवान के लिए पूरा का पूरा खाली हो जाए, दुनिया उससे निकल जाए और उसके बाद दुनिया भी उसको ताना मारेगी। वो बोलेगी देखो ये पगला गए, या बोलेगी इनका स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है। ये है तपाना, गर्म करना। आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, उसको चुपचाप सह लेना, छिद्र हो जाए तो होने देना, फिर भी भगवान के रास्ते को न छोड़ना, ये बांसुरी का स्वभाव है। ऐसा जीवन जिसका हो जाता है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। उसको कभी भगवान छोड़ते नहीं। बांसुरी में अपना कोई स्वर नहीं होता है, बांसुरी में स्वर वही निकलता है जो बजाने वाला चाहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब अपना कोई दुराग्रह न रहे, अपनी कोई मान्यता न रहे, ठाकुर जी जो स्वर हमारे जीवन से निकालना चाहे वो निकालें, ऐसा समर्पण हो जाए, उसका नाम होता है बांसुरी। उसका नाम होता है वेणु। तो महाराज वेणु वादन करते हैं, भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। और वो वेणु वादन किस लिए करते हैं? बोले गोपियों के मन को आकर्षित करने के लिए। और हुआ भी वही, जैसे वेणु वादन हुआ सुखदेव जी महाराज कहते हैं परिणाम तुरंत आता है, भगवान जो चाहे। तद ब्रज स्त्रियया श्रुते वेणुगीतम स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम् कृष्णस्य स्वसखीभ्यो नवर्णयन्। ब्रज स्त्रियः तद वेणुगीतम् आश्रुत्य, भगवान कृष्ण की बांसुरी को जैसे उन सखियों ने सुना, गोपियों ने सुना, भगवान कृष्ण से मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने लग गई, चाय होने लग गई। महाराज की भूमिका है भगवान कृष्ण कैसे मिले, जल्दी कैसे उनके पास पहुंचे। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखो महाराज जब हुआ तो उसके पहले भी संध्या के समय भगवान ने बांसुरी बजाई थी और यहाँ वेणु गीत में भी भगवान ने बांसुरी बजाई। वहां बांसुरी बजी थी संध्या के समय, माने रात्रि का प्रारंभ हो रहा था, और यहाँ बांसुरी बजी है दिन के समय। अगर गोपियों को बांसुरी सुन करके ही सब कुछ छोड़ के जाना होता तो आज ही चली जाती। आज गोपियां बिल्कुल नहीं जाती हैं, इसलिए आप अगर ध्यान से भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे आप लोगों को पता लगेगा गोपियों जैसा कोई धर्मात्मा नहीं हुआ, गोपियों जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ और गोपियों जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। तीनों तीनों उच्च कोटि की योग्यताएं गोपियों में विद्यमान है। जो लोग कहते हैं गोपियों की लीला और कृष्ण की लीला एक नाचने गाने की लीला है, वो समझते नहीं, वो पढ़ते नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति से सुनते नहीं है, वो भगवान कृष्ण के प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है जो ऐसा बोलते हैं, उनकी अपनी बुद्धि का दोष होता है। गोपियां आज एक भी गोपी नहीं जाती, भगवान कृष्ण ने बांसुरी तो बजाई, गोपियों के हृदय में लालसा हुई भगवान को पाने के लिए, आपस में कृष्ण चर्चा करती है भगवान कृष्ण को कैसे पाया जाए, एक दूसरे से बताती है देखो तो सखियों आज भगवान की बांसुरी सुन करके जड़ चेतन हो गए हैं और चेतन जड़ हो गए। जड़ चेतन कैसे हो गए हैं, चेतन जड़ कैसे हो गए हैं? बोले जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई ना, गायों ने घास खाना छोड़ दिया, बांसुरी सुन रही, कान को ऊपर करके बांसुरी सुन रही। बछड़ों ने गायों का दूध पीना छोड़ दिया, वो भी बांसुरी सुन रहे। पक्षियों ने कलरव करना छोड़ दिया, बोलना बंद कर दिया, वो भी बांसुरी सुन रहे हैं।
हरिणों ने भागना, हाँ मृग जो होते हैं ना हरिण, वो भागते हैं जंगल में, उन्होंने भागना बंद कर दिया और बांसुरी सुन रहे हैं। माने जितने चेतन थे वो जड़ हो गए, अपनी गति को रोक के भगवान कृष्ण की बांसुरी का श्रवण कर रहे। और जितने महाराज जड़ दिखाई देने वाले थे, जैसे गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी से झरने बह रहे हैं, बोले गिरिराज जी भी बांसुरी सुन करके माने आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं, हाँ प्रेम के आंसू बह रहे हैं जो झरने बह रहे हैं ना। और ये भी नहीं, जमुना जी बोले बांसुरी सुन करके अपनी गति को रोक देती हैं। अभी कभी नदी में आपने देखा होगा ना, आपके तो यहाँ गाँव में ही नदी है, जब बहुत पानी होता है तो पानी ऐसे घूमता है, हाँ बोले जमुना जी क्या कर रही हैं, बोले बांसुरी सुन करके वो भी नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, आगे नहीं जा रही ऐसे, हाँ कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव। गोपियों ने कहा सखियो हमको छोड़ करके आज सारे लोग कृष्ण की बांसुरी का श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हम ही अकेली ऐसी हैं जो नहीं जा पा रही हैं, हम भी अब वही साधना करेंगी जो साधना बांसुरी ने किया है। हाँ तभी तो भगवान कृष्ण साथ में रखते हैं, बांसुरी ने क्या साधना किया है वो पता लगाओ, हम भी वही साधना करेंगी। और गोपियां साधना का निर्णय ले लेती है, केवल विचार ही नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं महाराज अब हमको भजन करना है, बोले कब करना है, बोले ये काम हो जाए बस अब इसके बाद भजन करेंगे, और वो काम कभी पूरे होते ही नहीं है। ये काम हो गया तो दूसरा काम आ गया, दूसरा काम हो गया तो तीसरा काम आ गया, ये बहाना होता है। जिसको भजन करना है वो काम की प्रतीक्षा नहीं करता है, प्रारंभ कर देता है। गोपियों ने निर्णय लिया हम साधना करेंगी और साधना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक का महीना, कार्तिक हाँ ठंडी का मौसम होता है, और वृंदावन में तो बहुत ठंडी होती है, इस समय भी यहाँ तो कोई ज़्यादा ठंडी नहीं है। अभी भी आप वृंदावन चले जाए ना, 2-3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वहाँ का, हाँ इस समय रात्रि का जो टेम्परेचर है 2-3 डिग्री है, हाँ मिनिमम जो टेम्परेचर है, इतना ठंडा है वहाँ पर। तो हम महाराज वृंदावन का मौसम, कार्तिक का महीना, ठंडी का समय, और गोपियों ने साधना प्रारंभ की, किस लिए, अपने आराध्य अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हे मन्ते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकाः शिरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हे मन्ते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकाः, नंद बाबा के ब्रज के जो कुमारी है, कुमारी कुमारी शब्द जानते हैं कहाँ तक प्रयोग होता है, संस्कृत में कुमारी शब्द का प्रयोग होता है 5 वर्ष तक की कन्या के लिए, 6 वर्ष के बाद पौगंड अवस्था का प्रयोग होता है, 11 से 15 की अवस्था में किशोर अवस्था का, किशोर शब्द का प्रयोग होता, किशोरी कहा जाता है, किशोर या किशोरी, और 16 साल के बाद युवा अवस्था का प्रयोग होता है, युवा कहा जाता है। तो कुमारी का अर्थ है जो गोपियां साधना करने जा रही ना भगवान कृष्ण की आराधना, उनकी अवस्था कितनी बड़ी बड़ी थी, 5-5 साल की, 5-5 साल की कन्याएं भगवान कृष्ण को पाने के लिए साधना करने जाती। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना आपको पता लगेगा कितनी दिव्य लीला है, कितनी अच्छी लीला है। लोग समझते नहीं तो उसमें दोषारोपण करते। 5-5 साल की कन्याएं आराधना करने जाती हैं भगवान को पाने के लिए, प्रातःकाल 4 बजे उठ जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना है तो प्रातःकाल सूर्योदय के पहले करो तो साधना का आनंद मिलेगा। सूर्योदय के बाद जो साधना होती है उसमें सत्व गुण नहीं रहता है, रजोगुण का प्रवेश हो जाता है, उतना उसमें ताकत नहीं आती है, साधना का आनंद नहीं आता है। और जो करते हैं उनको मालूम है सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद साधना में बहुत फर्क हो जाता है। आप लोग कब उठते हैं, सूर्योदय के पहले के बाद? द्वारकाधीश भगवान के जीवनी में लिखा है मालूम है, द्वारकाधीश भगवान 4 बजे उठ जाते थे, हाँ भागवत में ही लिखा है, 4 बजे उठ जाते थे, 4 बजे उठ करके आचमन करके आत्मचिंतन करते थे, ध्यान करते थे, उसके बाद स्नान पूजन करके, हाँ बाल भोग करके तैयार करके 8 बजे तो सभा में चले जाते थे रथ में बैठ करके। तो द्वारकाधीश भगवान अगर 4 बजे उठते हैं और आप द्वारकाधीश भगवान के भक्त हैं तो आपको कब उठना चाहिए, भगवान से पहले या भगवान के पीछे, बोलो प्रेम से, बोलो पीछे या आगे,
पहले उठना चाहिए ना, और उठते कब हो? अब नहीं बोलेंगे। हाँ, तो आज अगर आप भगवान के भक्त हो, आप गुरु के भक्त हो, संत के भक्त हो, वो जब उठते हैं तब से कम तब तो उठो। हाँ, लेकिन समस्या ये है, जब समय से सोएंगे तब तो समय से उठेंगे ना। अब सोएंगे 1 बजे 2 बजे तो उठेंगे कहाँ से 4 बजे? हाँ, तो महाराज बम्बई में एक लड़का था, बड़ा मजाक किया था। हमारे गुरुजी से बोला, गुरुजी हम जानते हो कब उठते हैं हम सो के? बोले, कब उठते हो? बोले, जब हमारी खिड़की से सूर्य भगवान दिखाई देते तब उठता हूँ। बोले, चलो कोई बात नहीं, 7-8 बजे उठ जाते होगे। बोले, नहीं, हमारे घर की खिड़की पश्चिम की तरफ है। हाँ, वेस्ट, हाँ वेस्ट में है, माने सूर्य भगवान जब अस्ताचल इस समय जो होता ना, ये समय, हाँ माने वो सोना ही शुरू करता है सुबह। हाँ, रात भर महाराज जानते हो रात भर क्या करता है। आजकल जो शहरों में होता है ना, क्लबों में जाना, होटलों में जाना, हाँ तो अभी प्राय भगवान कब उठते हैं? 4 बजे। तो हमको आपको कब उठना चाहिए? अब क्यों नहीं बोलते हो? जब मेन मुख्य चीज आती है तब आप मौन लगा जाते हो। हाँ, मौन घर में रहना चाहिए, कथा में नहीं। हाँ, जल्दी उठना चाहिए। और आप करके देखना, एक बार वृंदावन में हमारे आश्रम में एक दिल्ली के भगत आए, और दिल्ली के लोग प्रायः 8 बजे के पहले उठते नहीं, प्रायः बहुत लोग जल्दी उठ जाते लेकिन प्रायः नहीं उठते। अब उनको महाराज कमरा दे दिया गया शंकर जी के मंदिर के बगल में, वहाँ 5 बजे आरती होती और नगाड़ा बजता जोर से शंकर जी के मंदिर में। अब वो बोले कि महाराज हम किसी तरह तकिया अपने कान पे रख लिए कि नगाड़ा सुनाई न दे, लेकिन फिर भी नींद तो खुल गई, नींद टूट गई, उठना पड़ा। लेकिन बोले जब सुबह उठ करके हमने वॉकिंग किया, हाँ सूर्योदय के पहले, बोले बहुत आनंद आया। उस दिन के बाद वो उठने लग गए। अरे आप पूजा नहीं करो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन सूर्योदय के पहले जो करोगे उसका एक अलग आनंद होगा। हाँ, सूर्योदय के बाद करोगे तो कल से थोड़ा करके देख लेना, 1-2 दिन अच्छा लगे तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। हाँ, हमारी माताएं, हमारे पुरुष, गांव के लोग तो प्रायः उठ जाते हैं। हाँ, लेकिन शहर के लोग नहीं उठते, जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं ना। तो महाराज गोपियां 5-5 वर्ष की कन्याएं 4 बजे उठ जाती, पूजन सामग्री उनको मालूम नहीं है, लेकिन जितना मालूम है वो सामान लेके जाती है। हाँ, यमुना जी में स्नान करती है बिना कपड़ों के। हाँ, उनको मालूम नहीं कि धुले हुए कपड़े पहन के पूजा करना चाहिए, या रेशमी कपड़े हैं या उलन कपड़े हैं तो धोने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉटन के कपड़े हैं तो बिना धुले हुए कपड़े पहन करके पूजा। महाराज जो धुले हुए कपड़े वही पहन के पूजा करो, बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अशुद्ध होते। तो महाराज गोपियों को तो मालूम नहीं था, कपड़े निकाल दिया, जमुना जी में स्नान किया, फिर बाद में वही कपड़े पहन लिए और उसके बाद पूजन किया। पूजन पूजन किसका किया? बोले वहाँ क्या कोई मंदिर था, देवी जी थी? बोले नहीं, ना मंदिर था ना देवी थी। बोले फिर? बोले बालू से, हाँ बालू से कात्यायनी मैया बनाती थी, वहीं की बालू निकाल के, और उन्हीं कात्यायनी मैया की पूजा करती थी। वहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती थी, कोई पंडित नहीं था, मंत्र नहीं आते थे उन लोगों को, लेकिन इतना भाव था, जबरदस्त भाव था गोपियों का, उनकी पूजा करती थी और पूजा करके रोज एक ही वरदान मांगती थी। वो श्लोक आज भी कन्याओं के विवाह में अगर बाधा पड़े तो उसका जप किया जाता है, जो गोपियों ने किया, बड़ा सुंदर श्लोक है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आप सर्वशक्तिमती है, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हैं, आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है, क्या हमको जो नंद बाबा का लाला है ना, नंद बाबा का जो छोरा है ना, ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। 5-5 साल की कन्याएं, देखो कितना प्रेम था। और ये अनुष्ठान कितने दिन चला जानते हो? 1 महीना। हाँ, प्रत्येक दिन 4 बजे उठना, स्नान करना, पूजन करना, और पूजन के बाद एक ही वरदान मांगना। हाँ, 1 महीने तक, क्यों? एक ही चाह थी, बाकी कोई कामनाएं थी नहीं। हमारे सामने अगर भगवान आ जाए और पूछ लें कि मांग लो जो जो चाहिए, तो एक मांगोगे या बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास?
भगवान एक मांग है केवल, क्या? नंद गो पुरुषोत्तम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे मैया, ये नंद बाबा का जो छोरा है ना, ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो, वरदान दो। 29 दिन हो गए, अंतिम दिन था अनुष्ठान का। कात्यायनी मैया बड़ी प्रसन्न थी, आने वाली थी, लेकिन भगवान कृष्ण बड़े नटखट हैं। कात्यायनी मैया आती उसके पहले वो स्वयं ही पहुंच गए और स्वयं पहुंच करके गोपियों के कपड़े उठा लिए और कदंब के वृक्ष में चढ़ गए। गोपियां जब स्नान करके निकलने लग गईं, गोपियों ने देखा कपड़े नहीं हैं, आश्चर्य से देखा भगवान कृष्ण कपड़े कंधे पे रखे हुए ऊपर बैठे। जो गोस्वामी जी कहते हैं, विचार करो, जो भगवान बड़े बड़े संतों के हृदय में जल्दी नहीं आते, वो भगवान जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े अपने कंधे पर रखे हुए बैठे हुए हैं, वो गोपियां क्या सामान्य गोपियां हैं? बिना धुले हुए कपड़े भगवान उठाते हैं अपने कंधे पर रख लेते हैं, वो सामान्य गोपियां नहीं। उन गोपियों ने देखा भगवान को, प्रार्थना की, श्याम सुंदर हमारे कपड़े दे दो, हमको ठंड लग रही है। कन्हैया ने कहा, गोपियों बाहर आओगे तभी कपड़े मिलेंगे, और तुमको मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं। आप लोग मानते हैं क्या कि श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते? क्या आपका आपका क्या मानना है भाई, श्री कृष्ण कभी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, आप लोग हाँ ना तो बोलो, बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं, लेकिन जब को मजाक कर रहे हैं, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ थोड़ा विनोद कर रहे हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तुमको मालूम है, और तुम बाहर आओगे तभी कपड़े मिलेंगे। एक गोपी ने कहा, कन्हैया तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम राजा से शिकायत कर देंगे तुम्हारी। कन्हैया हंसने लग गए, किस राजा से करोगे? नंद बाबा से? नंद बाबा से करोगे? मैं डरता नहीं, मैं तो उनकी पीठ पे चढ़ जाता हूँ। और अगर मामा कंस से शिकायत करने मथुरा जाओगी तो मामा जो 2-4 साल और जीने वाला है, अगर वो आज यहाँ आ गया तो आज ही मामा का गोविंदा है नमो नमा कर दूंगा, किससे शिकायत करोगी? हाँ बताओ, किससे शिकायत करोगी? गोपियाँ मुस्कराने लग गई। गोपियों ने कहा, नहीं कन्हैया हम शिकायत थोड़ा करेंगे, हम तो तुमको पाने के लिए ही तो अनुष्ठान कर रही थी, तुम स्वयं आ गए, हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया ने कहा, अगर तुम हमारी सेविका हो, मेरे को पाने के लिए तुमने अनुष्ठान किया है, अपना जीवन मेरे को दिया है, तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। ये देखो समर्पण का प्रसंग है, ये जो चीरहरण का प्रसंग है ना, ये समर्पण का प्रसंग है, ये कंप्लीट सरेंडर का प्रसंग है, और कंप्लीट सरेंडर बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है, जीव अपने प्रयास से नहीं कर सकता है। और एक घटना है हमारे गुरु जी के जीवन की, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक साधक आया हमारे गुरु जी के पास, वो साष्टांग प्रणाम किया गुरु जी को और बोला, महाराज मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरु जी ने उसको देखा और मुस्कराए, कुछ बोले नहीं, बाकी लोगों से बातचीत करते रहे, कुशल मंगल पूछते रहे, उससे बात भी नहीं किया। आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, वो कहता है, गुरुजी महाराज आप सबसे बातचीत कर रहे हो, सबका कुशल मंगल पूछ रहे हो, मैंने अपना जीवन आपको दे दिया, समर्पित कर दिया, फिर भी आप मेरे से कुछ नहीं पूछ रहे। गुरुजी मुस्कराए, बोले मैं यही देख रहा था कि वास्तव में तूने अपना जीवन दिया है कि केवल कह रहा है। अगर तूने जीवन दे दिया है तो अब मैं पूछूं कि ना पूछूं, ये चिंता अब तेरे को होनी नहीं चाहिए। आपने अगर अपनी गाड़ी किसी को दे दिया, वो कैसे रखे क्या करे, अब जिम्मेवारी उसकी है। आपने घोड़ा बेच दिया, गाड़ी बेच दी, अब आपको चिंता अगर है तो अभी आपने बेचा ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, और अगर आपने दे दिया है तो आपको चिंता होनी नहीं चाहिए। समर्पण कहना बहुत सरल है। हम रोज कहते हैं भगवान के मंदिर में जा करके, हाँ तमेव माता, सब बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बूढ़े सब गाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम ये स्वीकार करते हैं? हाँ, इतना सरल श्लोक है लेकिन कितना अच्छे भाव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हाँ त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अगर एक श्लोक ही जीवन में आ जाए तो समर्पण पूरा हो जाए। लेकिन क्या ये सच है? क्या भगवान ही माता पिता है?
क्या भगवान ही सब कुछ है, क्या भगवान ही संपत्ति है। एक महात्मा विनोद में कह रहे थे, बोले एक व्यक्ति कोई बहुत महंगे जूता पहन के मंदिर में चला गया, और जूता चप्पल की चोरी बहुत होती है मंदिरों के बाहर से। बोले महाराज जो एक बार तो भगवान की तरफ देख करके बोले तमेव माता, फिर एक बार जूता देख ले चपिता तमेव। बोले मजाक की बात है, लेकिन बात तो सही है। हाँ, उसका भाव, क्योंकि अब जूता कोई उठा ले जाए वो भी तो चिंता थी ना, तो एक बार इधर बोल दे एक बार उधर बोल दे, देख बोलता वो भगवान को ही था, जूतों को नहीं बोल रहा था, लेकिन देख रहा था उधर। तो ये बोलना एक अलग बात है, लेकिन जीवन में आ जाना अलग बात है। तो समर्पण, ये चिरहरण का जो प्रसंग है ना, ये कंप्लीट सरेंडर का प्रसंग है, समर्पण का प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने कोई जबरदस्ती नहीं किया, भागवत में बिल्कुल नहीं लिखा। जो लोग कहते हैं ना भगवान ने विवश किया, बिल्कुल नहीं किया। भगवान ने कहा यदि तुमने जीवन समर्पित किया है, वही लिखा है। एक श्लोक यहाँ पर है, भगवान कहते भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्र गत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः। भवत्यः यदि मे दास्यः, यदि आप मेरी सेविकाएं हैं, आपने अपना जीवन समर्पित किया है, तो मेरी आज्ञा का पालन करो और अपने वस्त्र ले लो। गोपियां बाहर आ जाती है, भगवान को प्रणाम करती है, सूर्य देव को प्रणाम करती है, और भगवान प्रसन्न होकर के उनके वस्त्र दे देते हैं। गोपियों को वरदान दिया भगवान ने, गोपियों तुम्हारे इस साधना से मैं प्रसन्न हूँ, और तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं वरदान देता हूँ, आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ मैं महाराष करूंगा। महाराष का वरदान दे दिया। अब अगर इस प्रसंग को आप ध्यान से सुने या पढ़ें, अगर जानकी जी गौरी माँ की प्रार्थना करती हैं कि भगवान श्री राम उनको पति के रूप में मिल जाए, और भगवान श्री राम मिलते हैं, गौरी माँ उनको आशीर्वाद देती है। यहाँ गोपियाँ कात्यायनी मैया जो गौरी माँ का ही एक रूप है, कात्यायनी मैया की उपासना करती है और प्रार्थना करती है श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिल जाए, और श्री कृष्ण आके स्वयं वरदान दे देते हैं, तो इसमें भाई फर्क क्या हुआ? एक ही बात है, जानकी जी ने जो किया वही गोपियों ने किया। जानकी जी को वरदान गौरी माँ से मिला, और ये इतना सफल अनुष्ठान था, गौरी माँ आने ही नहीं पाई, श्री कृष्ण पहले ही आ गए। उन्होंने पहले ही वरदान दे दिया, मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा, मैं तुमको सुयोग्य पत्नियों के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। ये वरदान दे दिया, और उन्हीं गोपियों के साथ बाद में भगवान महाराज करते हैं, तो इसमें कौन से अधर्म की बात है, कौन सा इसमें अधर्म का प्रवेश होता है? गोपियों से कहा, देखो गोपियों, कामना का संबंध अगर दुनिया से होता है वो कामना नरक में ले जाती है, लेकिन किसी भी कामना का संबंध भगवान से जुड़ जाता है वो कामना समाप्त हो जाती है, कामना समाप्त करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, यहाँ गेहूं चने की खेती होती है क्या? होती है, क्या खेती होती है यहाँ पर भाई? होती है ना। तो गेहूं चना अगर आप देखेंगे, चने को जब अगर उसका खेती करनी है तो कच्चा चना जमीन में बोया जाता है और वो पौधा निकलता है, बहुत सारे चने उससे निकलते हैं। लेकिन चने को अगर भून दिया जाए, चने को भून दिया जाए और उसके बाद जमीन में बोया जाए, तो पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। कच्चा चना खाओगे तो भी भूख मिटेगी, और भुना हुआ पका हुआ चना खाओगे तो भी भूख मिटेगी, लेकिन पके हुए चने में दूसरा पौधा देने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे ही जो कामना संसार से जुड़ती है वो कच्चा चना है, और जो कामना भगवान से जुड़ जाती है वो भुना हुआ चना है, वो भगवान को मिला देती है, लेकिन अगला जन्म नहीं देती, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत यहाँ पर दिया है भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ आगे आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ महाराष करूंगा। गोपियां भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घरों को चली जाती। देखो समर्पण। हाँ, गोपियों ने ये नहीं पूछा कि आगे आने वाली रात्रियों में करेंगे तो कब करेंगे, एक महीने बाद, छह महीने बाद, एक साल बाद, दो साल बाद, बिल्कुल नहीं पूछा। क्यों? जब घोड़ा बेच दिया तो अब घोड़े की चिंता हमको करना नहीं चाहिए। समर्पण था, गोपियों ने समर्पण कर दिया था, बिल्कुल नहीं पूछा। गोपियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं। इधर महाराज भगवान कृष्ण आज बहुत जल्दी आ गए थे यमुना जी के किनारे, प्रातः काल 5 बजे ही आ गए थे, तो आज बाल भोग घर से लेके नहीं आए थे। क्यों?
अगर 5 बजे अपनी माताओं से बोलते कि बाल भोग बना दो, तो माताएं पूछते कि आज 5 बजे कहाँ जा रहे हो, रोज तो 7-8 बजे गैया चराने जाते थे। तो माताओं को बिना बताए आना था, इसलिए बाल भोग लेके आए नहीं। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हमको भूख लगी, अब हम भोजन कहाँ करें, बाल भोग कहाँ करें। कन्हैया ने कहा, मथुरा के ब्राह्मण लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ चले जाओ, कह देना कृष्ण बलराम भूखे हैं, वो भोजन दे देंगे, भिक्षा दे देंगे। जाते हैं ग्वाल बाल, ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने, हे भूमि देवा श्रृणुत कृष्णस्य आदेश कारिणः, हे देव ब्राह्मणों, हम भगवान कृष्ण की आज्ञा से आए, कृष्ण बलराम को भूख लगी है, आप कुछ भिक्षा दे दो, खाने को दे दो। ब्राह्मणों ने कहा, ये ग्वारिया, ये ग्वाल बाल, ये गाय चराने वाले, ये हमारे यज्ञ में कैसे आ गए, हम तो इनको छूते ही नहीं है, बात करेंगे तो हमारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, बात ही नहीं किया, ना हाँ किया ना किया, बेचारे निराश होकर चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, बोले वो तो बोले ही नहीं, देने की तो बात अलग है, बात ही नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। बोले उससे क्या होगा, बोले खिलाने पिलाने का भाव माताओं में होता है, खिलाने पिलाने का वात्सल्य माताओं में होता है, माताओं को हमारा जो प्रेम होता है खिलाने पिलाने का, जाओ उनकी पत्नियों के पास। ग्वाल बाल गए, उन्होंने कहा कृष्ण बलराम को भूख लगी। जानते हो क्या हुआ, उनके पत्नियों ने जो अपने घर के लिए भोजन बनाया था वही लेके चल पड़ी, क्योंकि समय था नहीं दूसरा बनाने के लिए। बहुत रोक आ गया, बोले नहीं नहीं नहीं, कृष्ण बलराम भूखे हैं, पहले उनको खिलाएंगे, बाद में बचेगा तो आपको मिलेगा। पति लोग सोचे, हम तो इनसे बात ही नहीं की, हमारा भोजन ही ले गए लोग। महाराज जो चली जाती हैं, ब्राह्मण पत्नियां भगवान को प्रणाम करती हैं, भगवान उनका बड़ा आदर करते हैं, भोजन कराया और उसके बाद भगवान ने उनको विदा किया। इसके बाद भगवान कृष्ण अब 7 वर्ष के हो गए, 7 वर्ष के, 7 वर्ष के हो गए। एक दिन भगवान कृष्ण ने क्या देखा, बड़े बड़े उनके गोप लोग, नंद बाबा उपनंद, बड़े बड़े जो महाराज व्रज के गोप लोग हैं, वो सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, आज बड़ी गंभीरता के साथ, प्रायः वो कभी गंभीर नहीं रहते थे, आज बड़ी गंभीरता के साथ प्रणाम कर रहे हैं और प्रश्न पूछते हैं। कथ्यता मे पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः, एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः, नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। कन्हैया कहते, पिताजी आप बड़े बड़े गोप लोग मिलकर के क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या सलाह कर रहे हैं, आज बड़ी गंभीर मंत्रणा हो रही है, हमको भी बताओ क्या कर रहे हैं, क्यों, जब बेटा बड़ा हो जाए तो पिता को बेटे से भी सलाह करके काम करना चाहिए। कितने नटखट हैं, कितने बड़े हो गए, कह रहे हैं बेटा बड़ा हो जाए तो पिता को सलाह लेनी चाहिए, कितने बड़े हो गए, 7 साल के, हाँ 7 साल के हैं और शिक्षा दे रहे हैं जैसे 25 साल के हो गए। बोलते हैं बेटा बड़ा हो जाए तो सलाह लेके काम करना चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हैं हमको बताओ। नंद बाबा हंसने लग गए, आज बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा है, आज अपने को बड़ा कह रहा है, जाओ जाओ खेलो खाओ, हम क्या कर रहे हैं मत पूछो। लेकिन कन्हैया बड़े गंभीर, नहीं बाबा ऐसे कैसे हो सकता, आप इतनी बड़ी मीटिंग करें और हमको नहीं बताएंगे, अब हम बड़े हो गए हमको भी बताओ। कन्हैया को गंभीर देखा तो नंद बाबा को बताना पड़ा, बेटा देखो साल में एक बार हम इंद्रदेव के लिए पूजा करते हैं, क्यों, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, उससे घास होती है, जल होता है, गायों का काम चलता है, ग्वाल बालों का काम चलता है, हम इंद्रदेव के कृतज्ञ हैं, एक बार यज्ञ हवन करके उनको पूजा करते। कन्हैया को तो इंद्र का अभिमान तोड़ना था, जानते तो थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जो वर्षा हुई ना ये इंद्रदेव की ही कृपा थी, ज्यादा प्रसन्न हो गए थे महाराज, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, कन्हैया को अभिमान तोड़ना था। कन्हैया ने कहा, बाबा ये इंद्र कौन होता है, अरे लाला स्वर्ग का राजा है, वर्षा करने का मालिक है। बोले आपको कभी मिला है, जैसे आजकल के बच्चे पूछते हैं ना ऐसे क्रांतिकारी प्रश्न है कन्हैया के, क्या आपको कभी मिला है इंद्र, बोले नहीं लाला मिला तो नहीं। तो बोले फिर क्या प्रमाण है कि वो होता है, जब आपने देखा नहीं आपको मिला नहीं, क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि इंद्र होता है। बोले बड़े बूढ़े सब लोग कहते हैं,
कन्हैया ने कहा बड़े बूढ़ों की सारी बात सच नहीं होती है। बोले क्यों? बोले 80 के बाद बुद्धि थोड़ा कमजोर हो जाती है। नाराज मत होना, यहाँ कोई 80 के बाद बैठे हो, 80 के बाद बुद्धि थोड़ा कमजोर हो जाती है, उनकी सारी बात सच होती आवश्यक नहीं है। क्रांतिकारी भाषण कर रहे। जब इंद्र को आपने देखा नहीं, आपसे मिला नहीं, आपका कभी भोग लगाता नहीं, क्या आधार है, क्या प्रमाण है कि इंद्र होता है? अब महाराज इस प्रश्न का तो कोई जवाब नंद बाबा के पास था नहीं। कन्हैया ने कहा आप लोग कर्म करते हो, कर्म का फल आपको भगवान देता है, आपका भाग्य देता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल देगा, खराब कर्म करोगे खराब फल देगा। इसमें इंद्र क्या करेगा? इंद्र बीच में कहां से आ गया? इंद्र कौन होता है? इंद्र को आपने देखा नहीं, आप जानते नहीं, इंद्र कुछ करता नहीं, ये तो भगवान का विधान है। हाँ, कर्मयो गुरु ईश्वरः, आपका कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अच्छा फल पाना है तो अच्छा कर्म करो, और गलत फल पाना है तो गलत कर्म करो, ये तो आपके हाथ में। इंद्र इसमें क्या करेगा? ऐसा महाराज हाँ डिस्कशन किया, ऐसी सलाह की। हाँ महाराज नंद बाबा चुप हो गए, कोई जवाब नहीं। नंद बाबा ने कहा तो बेटा तुम बताओ क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा तुमको घास कहाँ से मिलती है? गिरिराज जी की तलहटी से। जल कहाँ से मिलता? बोले गिरिराज जी से। बोले जो सामने से दे रहा है उसकी पूजा तो आप करते नहीं, और जिसको कभी देखा नहीं उसकी पूजा किए जा रहे हो, ये कहाँ की बुद्धिमानी? बोले गिरिराज भगवान की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा लाला हमने कभी किया नहीं, हमको आती नहीं, कौन कराएगा? कन्हैया ने कहा मैं कराऊंगा, तैयारी आप करो। हाँ बोले क्या तैयारी करें? बोले भोजन खूब बनवाओ, ब्रजवासियों के भगवान है गिरिराज जी, खाते खूब है महाराज। हाँ भोजन खूब बनवाओ। हाँ बोले महाराज राजभोग चमचम, हाँ गुलाब जामुन कचौड़ी पकौड़ी, और यहाँ तो गुजरात में आ जाए तो यहाँ का भोजन बासुंदी श्रीखंड, दो चीज हमको अच्छी लगती यहाँ की, बाकी का तो भगवान मालिक। हाँ यहाँ ढोकला ढोकली भी बनती है, ढोकली बनती है, सूखड़ी सूखड़ी भी बनती है नी, ऐसे ऐसे नाम है। नमक को मिठू बोलते हैं, मिठाई को क्या बोलेंगे? नमक को मीठा बोलते हैं। और महाराज क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे नाम है यहाँ के, सुन करके आदमी घबरा जाए। खाखड़ा पातरा और क्या क्या दुनिया भर के जो नाम होते, बहुत सारा सामान बना। तो अब उसके बाद कहते महाराज 56 तरह से ज्यादा, आज भी यहाँ 56 तरह से ज्यादा ही बना है, खूब भोजन बनाया गया। और महाराज जो गरम खाया जाता है वो भी बनाया गया, जो ठंडा खाया जाता है वो भी बनाया गया। गरम क्या जानते हो? महात्माओं के यहाँ एक तरीका होता है, भंडारे बड़े बड़े होते हैं। हाँ अगर भंडारा मान लो 1000 आदमी का और 1500 आदमी आ गए कहीं से, हाँ हरीश भाई ध्यान रखना है, जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ना तो कैसे काम करना पड़ता है। और मान लो खीर बनी है, खीर 1000 आदमी की खीर बनी और 1500 आ गए, जानते हो हम लोगों को सिखाया गया था, तब फिर कैसे मैनेज करना? बोले खीर को खूब गर्म करके परोसो, जिससे वो जल्दी खा ही नहीं पाएगा। वो ठंडा करने में ही पंगत खत्म हो जाएगी, बेचारा संकोच में उठ जाएगा, ज्यादा मांगेगा ही नहीं, खूब गरम गरम परोसो, खा ना सके महाराज। और दाल अगर कम पड़ जाए तो गरम पानी डालो, नमक डालो, दाल को बढ़ा दो, दाल डालने की जरूरत नहीं। ये तरीके होते हैं महाराज बड़े बड़े भंडारे चलाने के। मनु भाई ध्यान रखना, परसों है ना। तो भंडारा कैसे सक्सेसफुल हो ध्यान रखा जाता है, इसके तरीके होते। तभी प्राय महाराज खूब भंडारा बना, 56 भोग बना महाराज, गाड़ियों में रख करके भगवान कृष्ण ले गए। कहाँ ले गए? गिरिराज जी की तलहटी में। गिरिराज जी की तलहटी में गाड़ियों को खड़ा कर दिया, गाड़ियों में सामान भरा हुआ था, भोजन का सामान। उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गोवर्धन जी की परिक्रमा। तभी से 5000 साल से गोवर्धन जी की परिक्रमा हो रही, और आपको मालूम है गोवर्धन जी की परिक्रमा जो गुरु पूर्णिमा के दिन होती है, मैक्सिमम भीड़ मालूम है इस साल, शायद जहाँ तक स्वामी जी को ध्यान होगा, मैं तो पेपर में पढ़ा 30 लाख लोग थे परिक्रमा में एक दिन में। पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की परिक्रमा फुल चलती है, और गोवर्धन जी महाराज प्रत्यक्ष देवता है, इन्हीं गोवर्धन जी के भगवान कृष्ण ने परिक्रमा की थी, आज जिनकी हम लोग करते हैं। अगर निष्काम भाव से परिक्रमा करो तो भगवान का अनुभव होता है, और सकाम भाव से करो तो आपकी कामना की पूर्ति होती है, आज भी होती है। बहुत संत वहां रहते हैं, गृहस्थ लोग भी रोज परिक्रमा लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है पैदल परिक्रमा करते हैं, बिना जूता चप्पल के करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने प्रारंभ करवाई। परिक्रमा के बाद महाराज पूजन करवाया,
पूजन के बाद भगवान कृष्ण ने सोचा कुछ चमत्कार होना चाहिए, चमत्कार नहीं होगा तो इंद्र की पूजा बंद कराई है तो व्यक्ति का आकर्षण कैसे होगा। क्या चमत्कार हुआ, भगवान कृष्ण एक रूप में गोवर्धन जी के ऊपर प्रकट हो गए, गोवर्धन जी बन के, दूसरे रूप में पुजारी बने हुए हैं। पूजा प्रारंभ हुई, गोवर्धन जी बन के भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। पुजारी बने हुए कृष्ण ने पूछा उनसे, आप कौन है? बोले मैं शैलोश्मी, मैं गिरिराज हूँ, गिरिराज। बोले गोवर्धन भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय। अब महाराज देखिए, गिरिराज भगवान का दर्शन आप लोग कर रहे हैं, प्रेम से तालियां बजाइए और दर्शन करें। बोले गिरिराज भगवान की जय, जय श्री राधे। गिरिराज भगवान बड़े सुंदर आपके यहाँ पधारे हुए हैं महाराज, हाँ इनका दर्शन करेंगे। अब दर्शन करने के बाद पूजन हुआ, पूजन के बाद कन्हैया ने कहा गिरिराज जी को भोग लगाओ, भोजन कराओ। अब महाराज गिरिराज जी को खिलाने लग गए राजभोग, चमचम, कचौड़ी, पकौड़ी, और गिरिराज जी खूब खाए, वो तो कृष्ण भगवान ही बने हुए थे। कन्हैया ने कहा नंद बाबा से, इंद्र ने कभी खाया? बोले कभी नहीं खाया, आया ही नहीं तो खाएगा कहाँ से। देखो हमारे गिरिराज भगवान कितने सरल, कितने सहज, एक बार में ही आ गए और खूब खाया महाराज, हाँ खूब खाया। क्यों? ब्रजवासियों के भगवान है, हाँ गुजरातियों के भगवान नहीं, ब्रजवासियों के। एक बार मैं गया था बंबई में, बुरा मत मानना आप लोग, एक गुजराती सज्जन के यहाँ निमंत्रण था। अब वो पूड़ी बनाया, पूड़ी सब्जी महाराज, और पूड़ी आप जानते हो आप लोगों कितनी बड़ी होती है, हमारे यहाँ जितना पानी पूड़ी होती ना यूपी में, हाँ वो उतनी बड़ी पूड़ी। अब चार पांच लोग हम थे भोजन करने वाले, अब महाराज चार चार परोसे, हमने चार ख़त्म की, आठ ख़त्म की, बारह ख़त्म की, वो बोला और, मैंने कहा और, हमारा 16 हो गई, उसका आटा खत्म हो गया। हम किचन के बगल में बैठे थे, हम देखा आटा खत्म हो गया। अंधेरी में वो आदमी है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बेचारा दुखी हो जाएगा, अंधेरी में रहता अभी भी। अब उसके बाद महाराज वो आटा लगाया, दोबारा महाराज पूड़ी बनी, फिर 20 हुई, 24 हुई, 28 हुई, फिर आटा खत्म हो गया। वो बोला और बनावे, मैंने कहा मत बनाओ। हम लोग फ्लैट में वापस आए, दाल चावल बनाया, उसके बाद हमारा काम ठीक हुआ। अभिप्राय क्या है? हाँ तो इसलिए तो गुजराती लोग भले बहुत होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, लेकिन हम इनके भोजन से डरते हैं थोड़ा महाराज। इसलिए हम अपना रसोईया लेके आए। हाँ भोजन से हम घबराते हैं। अभी दो तीन दिन पहले पूड़ी बनी थी, वो पूड़ी पता न लगे कि जा रही है अंदर कि नहीं जा रही है, वो कहाँ जा रही है कुछ समझ ही ना आवे। हमने कहा हमको चावल दे, हमसे ऐसे काम चलेगा नहीं। अभिप्राय क्या है? तो ब्रजवासियों के भगवान खूब खाते हैं महाराज, खूब खाया, और खाने के बाद गिरिराज जी की तलहटी में महाराज ओ संगीत हुआ, ओ ग्वाल बाल, गोपियां, भगवान कृष्ण, राधा रानी सभी इकट्ठे थे महाराज गिरिराज जी की पूजा में। खूब नृत्य हुआ, संगीत हुआ, खूब आनंद हुआ। इंद्र ने देखा अरे ये तो इनका कार्यक्रम सफल हो गया, मेरी पूजा बंद हो गई, गोवर्धन जी की पूजा हो गई। अब महाराज इंद्र नाराज हो गया, इंद्र ने मेघों को आदेश दिया जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो कि सारे ब्रज को डुबो दो, ग्वाल बालों को, गोपियों को, गायों को, और कृष्ण एक बालक है उसके कहने से इन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी, उसको भी डुबो दो। भयंकर वर्षा होने लग गई ब्रज में, बादल गरजने लग गए, भयंकर बारिश होने लग गई, पत्थर पड़ने लग गए महाराज। बादल गरज रहे नहीं, घबराना नहीं है, ओरिजिनल बादल नहीं है। भयंकर बादल गर्जना होने लग गए, पत्थर पड़ने लग गए, हम लोग भागे महाराज भगवान के पास। भगवान से कहा बचाओ बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब महाराज भगवान ने कहा घबराओ मत, जिनकी तुमने पूजा किया है वही बचाएंगे। भगवान कृष्ण जाते हैं गिरिराज भगवान के पास, उनका बाएं हाथ से स्पर्श किया, स्पर्श करते ही गिरिराज भगवान जैसे भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके हाथ में आ गए, बाएं हाथ में उठा लिया, एक कनिष्ठिका एक उंगली पर धारण कर लिया, और महाराज गिरिराज जी उनके उंगली पर आ गए। 21 किलोमीटर 7 कोस के गिरिराज जी
सात वर्ष के बालक बाल कृष्ण और सात दिन तक अपनी उंगली में धारण किए रहे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, मधुमंगल ने कहा कन्हैया तेरे हाथ में दर्द हो गया होगा, मेरे हाथ में दे दे थोड़ा गिरिराज जी को। मधुमंगल तो जानता नहीं था ये भगवान है, वो सोचा इन्होंने उठा लिया तो मैं भी उठा लूंगा। बोले मेरे हाथ में दे दो। भगवान बोले नहीं दर्द नहीं हो रहा है। तो बोले दूसरे हाथ में ले लो, हम तुम्हारे हाथ को दबा दें। बोले नहीं नहीं दर्द नहीं हो रहा है। हाँ महाराज ग्वाल बाल झगड़ गए, सारे काम हम मिलके करते हैं, ये काम तुम अकेले कैसे करोगे, हम भी करेंगे, हम ही गिरिराज जी उठाएंगे। कन्हैया सोचे अगर इन्होंने गिरिराज जी उठाया तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कन्हैया ने युक्ति निकाली, बोले गिरिराज मत उठाओ, लठिया लगा लो नीचे से लठिया, थोड़ा वजन मेरे लिए कम हो जाएगा, राहत हो जाएगी। सारे ग्वाल बालों ने नीचे से लठिया लगा ली। महाराज गिरिराज जी का चित्र लगा है ना, आप लोग देख रहे होंगे, लठिया लगाए हैं ग्वाल बाल और गिरिराज जी उठाए हैं भगवान। हाँ एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, हाँ छह दिन, सात दिन बीत गए। ओ महाराज इंद्र का जो महाराज आवेश था समाप्त हुआ, अभिमान टूट गया, बादलों को वापस बुला लिया। भगवान कृष्ण ने कहा देखो वर्षा बंद हो गई, आप लोग बाहर निकलो, आराम से बाहर जाओ। अब महाराज लोग सारे बाहर गए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। बाहर आने के बाद नंद बाबा ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, यशोदा जी ने हृदय से लगा लिया, लाला आज अगर तुम नहीं होते तो सारे ब्रज का गोविंदा नमो नमः हो जाता, जरूर तुम खुशी देवता के अंश हो, देवता के रूप हो, आज इतना बड़ा काम किया। ग्वाल बाल आकर के हृदय से लगा लिए, कन्हैया बताओ अगर हम लोगों ने चोरी करके माखन नहीं खाया होता तो आज ये काम होने वाला नहीं था। ये तो माखन की ताकत है। अलग अलग अपनी दृष्टि से विचार करने लग गए। अब महाराज इंद्र एकांत में आता है, भगवान से माफी मांगा। भगवान ने डांट लगाई, इंद्र ऐसा काम नहीं करना, अभिमान मत कभी करना, आगे से ध्यान रखना। और जो सुरभि गैया है भगवान का दूध से अभिषेक करती है, क्योंकि भगवान ने गोवंश की रक्षा किया है। अब महाराज भगवान का एक नाम और डाल दिया गोविंद, हाँ जो गायों की रक्षा करे उनका नाम गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार बड़े प्रेम से गिरिराज जी का पूजन हुआ। आज भी गिरिराज जी के जो लोग जिस भाव से परिक्रमा करते हैं उनको उसकी प्राप्ति होती है। आप लोगों ने भी किया होगा और नहीं किया हो तो जरूर एक बार जरूर करना। गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रज में जा करके 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, एक दिन में नहीं हो सके तो दो दिन में कर लेना, बड़ा आनंद आता है। लेकिन हो सके तो पैदल करना, गाड़ी से मत करना, आजकल वृद्ध लोग गाड़ी से भी करते हैं। पैदल करने का जो आनंद है वो एक अलग आनंद है, जरूर परिक्रमा करना। अब गिरिराज भगवान का पूजन होगा, ग्वाल बाल आएंगे, हमारे ठाकुर जी आएंगे, श्री राधा रानी आएंगी और गिरिराज जी के भजन होंगे। प्रेम से आप लोग बैठे रहें और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। गिरिराज जी का पूजन होगा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। बोले गिरिराज भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से ताली बजाओ ठाकुर जी का दर्शन करके। अब ठाकुर जी का पूजन होगा।